हेलो हेलो हेलो। चलो जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, एक बार पहले फटाफट से प्रार्थना कर लें, ठीक है? उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार लाइव वाले बच्चे मेरे को बता दें, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक पहुंच पा रही है जी? चलो जी, हाथ जोड़ लो सारे बच्चे। 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। बैठो जी। चलो जी, स्टार्ट करें फिर क्लास जी। चलो, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने कल की क्लास में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था ना, और बाकी वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कुछ कंप्लीट किए थे। आज हमें रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 31 तक जो भी रूल्स हैं वो रूल्स हमें कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी? तो एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वैल्यूएशन का जी, ठीक है जी? अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा तो वैल्यूएशन मैंने कहा था कि जीएसटी में आपका चेक पॉइंट नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। अब चेक पॉइंट नंबर 6 से पहले हम चेक पॉइंट नंबर 1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। फिर चेक पॉइंट नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया कि सप्लाई में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। चेक पॉइंट नंबर 3 हमारा बैलेंस बचा हुआ है कि आपका टैक्सेबल टेरिटरी मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होगा या नहीं होगा। फिर चेक पॉइंट नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया कि टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कब कवर होंगे और कब कवर नहीं होंगे। चेक पॉइंट नंबर 5 ये एग्जम्पशन का हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। फिर चेक पॉइंट नंबर 6 मैंने कहा था आपका वैल्यू होगा, और अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जीएसटी निकल के आएगा। अब यहां पर मैंने कहा था कि रेट जो है रेट आपके फिक्स होते हैं और वैल्यू जो है वैल्यू आपको निकालनी होती है। अब रेट कौन कौन से होंगे? या तो रेट होगा आपका 5%, या होगा 12%, या होगा 18%, या होगा 28%। मतलब इन चारों में से कोई भी रेट आपका एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा। बट मुद्दा क्या निकल कह रहा है कि वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको वैल्यू निकालनी है उसके लिए सेक्शन नंबर 15 के पास जाओगे। सेक्शन 15 जो है वो हमारा वैल्यूएशन का है। अब जब मैं सेक्शन 15 के पास गया तो सेक्शन 15 में टोटल मिला के आपके 5 सब सेक्शन थे। एक तो 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, 15(4) है, और 15(5) है। अच्छा, फिर इन टोटल 5 सब सेक्शन के ना हमने 3 बाइफर्केशन किए थे। 15(1), 2, 3 हमने अलग किया था, 4 हमने अलग किया था, 5 हमने अलग किया था। अब यहाँ पर मैंने कहा था सबसे पहले आप 5 के पास जाओगे क्योंकि कुछ स्पेशल केस ऐसे होंगे जो वैल्यू जो होगी 15(5) में कैलकुलेट होगी, और अगर 15(5) लगेगा
तो उस केस में ना तो फिर फोर की बातें होंगी ना फिर वन की बातें होंगी। बट अगर मेरे केस में फाइव एप्लीकेबल नहीं होता तो गवर्नमेंट ने कहा वन के पास जाओगे, फिर वन में आप टू की वैल्यू को जोड़ दोगे, थ्री की वैल्यू को हटा दोगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट अगर आपकी वैल्यू 15 वन में कंप्यूट नहीं हो पा रही तो फिर वैल्यू कंप्यूट करेंगे 15 फोर के अंदर। अब 15 वन क्या बोलता है, 15 वन ये बात कहता है कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम आपकी वैल्यू मान लेंगे कब, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन की बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन ना हो, और दूसरी कंडीशन क्या, प्राइस एक सोल कंसीडरेशन हो। इट मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। अच्छा, ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब इसमें इंक्लूजन हमें कितनी करनी है, पांच, और एक्सक्लूजन हमें कितनी करनी है, दो। अब इंक्लूजन पांच कौन कौन सी करनी है, सबसे पहला मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सब्स्यूम ना हुआ हो वो सारे के सारे हमें इसमें ऐड करने। दूसरा मैंने कहा था कि ऐसा कोई खर्चा जो रिसीवर ने पे किया सप्लायर के बिहाफ पे वो सारे खर्चे आपको ऐड करने हैं। तीसरा मैंने कहा था कि अगर कोई भी इंसिडेंटल खर्चे होंगे या एंसिलरी खर्चे होंगे जो सप्लाई से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे आपको ऐड करने होंगे। फिर फोर्थ मैंने कहा था कि अगर कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, डिले पेमेंट के लिए वो आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर पांचवा मैंने कहा था कि अगर कोई सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़ के जो प्राइस से लिंक करती है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बट वो ऐड तब करोगे जब पहले आपने माइनस कर दी है, अगर माइनस आपने नहीं की है तो ऐड करने का मतलब भी नहीं बनता, ये बात हमने यहाँ पे की। फिर मैंने कहा था कि माइनस में करोगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की दो कैटेगरी होंगी, या तो होगा प्री सप्लाई या वो होगा पोस्ट सप्लाई। अब प्री सप्लाई डिस्काउंट तो नॉर्मल माइनस कर देंगे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो है सामने वाली पार्टी ने उतने पोर्शन का आईटीसी जो है वो रिवर्स कर दिया हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर एक मैंने कहा था कि एक आपका होता है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी मतलब जो बाद में अचानक से मिलता है, वो डिस्काउंट हम माइनस नहीं करते, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमने डिस्काउंट वाले केस में की थी। अब ये सारे फिर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, भाई क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें ऐड नहीं करना, एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, नॉन एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। तो ये सारी की सारी बातें हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके। फिर ये कंप्लीट करने के बाद एक टॉपिक कल हमने और कंप्लीट किया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। उसके अंदर मैंने कहा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो फिर तो सबको मेंटेन करने हैं, अगर आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो तो आपके दो कैटेगरी के लोग होंगे जिनको मेंटेन करने होंगे, कौन कौन से, एक तो वेयरहाउस का ओनर और ट्रांसपोर्टर। अच्छा, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो फिर कौन कौन से मेंटेन करने हैं, एक तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर वाला, उसके बाद फिर मैंने कहा था स्टॉक इन गुड्स वाला, फिर मैंने कहा था इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, फिर जीएसटी पेड और पेबल, और फिर कितना आईटीसी है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, ये सारी बातें हमने वहां पे की थी। फिर मेंटेन कहां पे करने हैं, जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा हमको वहां पर मेंटेन करने होंगे, और कैसे करने, ऑनलाइन और मैनुअल कैसे भी कर सकते हो। फिर मैंने कहा था अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है फिर आपको अलग अलग जगह पर मेंटेन करने पड़ेंगे, ये सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अब अगला क्वेश्चन ये निकल कह रहे कि हमें कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करने हैं वो 6 साल तक मेंटेन करने हैं, और 6 साल कहां से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप पार्टी अपील वाली हो तो 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल और 6 ईयर विच एवर इज लेटर हमें वहां तक मेंटेन करने हैं। फिर एक पॉइंट हमने और कंप्लीट किया कि कमिश्नर को पूरी पूरी पावर होती है कि वो आपसे एक्स्ट्रा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवा सकता है और आपसे कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करवा सकता है। ये सारी की सारी बातें हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में की थी। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि 15 वन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, 3 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आज हमें 4 स्टार्ट करना है और 4 आज हमें खत्म करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो सबसेक्शन नंबर 5 है ना, वैसे वो एग्जाम में कभी नहीं बना, ठीक है जी, बट हाँ हमारे सिलेबस में कवर तो हमें करना ही, ठीक है जी, बट आज तक कोई क्वेश्चन 5 का नहीं बना, बस ये बात ध्यान, ठीक है। अब सुना ध्यान से, अब अगर मैं 15-4 की बात करूंगा ना, मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बता दो कि सेक्शन 15-4 एप्लीकेबल कब होगा, अगर वैल्यू जो है 15-1 में कंप्यूट नहीं होगी तो 15-4 में कंप्यूट हो। मतलब 15-4 ये बात कहते, देखो मैंने क्या लिखा है, वो कह रहा है इफ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15-1 जो है उस केस में वैल्यू जो होगी 15-4 में निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, एस मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 30। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि ये रूल एप्लीकेबल कब होंगे, भाई रूल नंबर 27 कब लगेगा, 28 कब लगेगा, 29 कब लगेगा, 30 कब लगेगा, 31 कब लगेगा, और एक नया रूल अभी इंसर्ट हुआ है रूल नंबर 31 कैपिटल ए, वो कब लगेगा।
तो एक बार सिर्फ हेडिंग चेक करते हैं, हेडिंग से क्या समझ में आता। अब अगर मैं रूल नंबर 27 की बात करूंगा तो रूल नंबर 27 में क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी। इसका मतलब क्या, कि अगर आपका सारा कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं एक बात मैंने को बताऊं, अगर सारा कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है तो क्या 15(1) एप्लीकेबल हो सकता है? 15(1) में कंडीशन क्या थी, प्राइस क्या है, सोल कंसीडरेशन, मतलब सारा पैसा किस फॉर्म में हो, मनी। तो अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो 15(1) तो नहीं लगेगा, 1 ने कहा 4 लगेगा, 4 ने कहा रूल्स के पास जाओ, रूल ने कहा 27 लगेगा। तो मतलब रूल नंबर 27 ये बात कह रहा है कि अगर सारा कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं है तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, तुम 27 के पास जाओ वो तुम्हारी वैल्यू निकाल। अब एक बात मैं सोच के बोलना सर, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपने मुझसे कोचिंग की सर्विस, अब आपने सारा पैसा मनी फॉर्म में दिया, आप मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं हो तो 15(1) लग गया। आपने सारा पैसा मनी फॉर्म में दिया बट आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो तो 15(1) नहीं लगा। आपने कुछ पैसा मनी में दिया, कुछ इनकाइंड में दिया, या सारा मुझे इनकाइंड में दिया, तो गवर्नमेंट के 15(1) नहीं है, रूल नंबर 27 लगे। मतलब अगर कोई पर्सन सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं देता तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 27 कहता है हम तुम्हें बता देंगे उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। अच्छी बात है जी। फिर 28 ने क्या बोला, 28 कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। इट मीन्स अगर तुमने सप्लाई की है रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, उसके अंदर वैल्यू कैसे निकालेंगे। मेरे को नहीं पता आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा, हमने एक शेड्यूल 1 किया था। अब शेड्यूल 1 में पैरा 2 था जहां मैंने कहा था कि फ्री वाले काम भी सप्लाई बनते हैं। अब फ्री वाले काम भी सप्लाई बनते हैं, उसके पैरा 2 में क्या लिखा था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई बनेगा। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 28 कहता मैं बता दूंगा। अगर तुमने कभी भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ की होगी तो वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 28 में लिखा हुआ। तो 27 कब लगेगा, अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में ना हो, 28 तब लगेगा अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होगी तो 28 एप्लीकेबल हो। फिर रूल नंबर 29 कब लगेगा जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू ए रिलेटेड मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। याद आ रहा है पैरा 3, प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल क्या बोले, वो वाले काम सप्लाई बनेंगे नहीं बनेंगे, यस। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूल नंबर 29 कहता है मैं आपको बता दूंगा। मतलब आज अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करे तो वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, वो 29 के अंदर है। फिर रूल नंबर 30 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन कॉस्ट बेस। ये पता क्या कहता है, ये कहता है जब ऊपर वाले 3 रूल नहीं लगेंगे ना, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी वैल्यू निकाल। रूल नंबर 30 ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल है, वो ये बात कह रहा है कि अगर तुम्हारी वैल्यू 27 में नहीं आ रही, 28 में नहीं आ रही, 29 में नहीं आ रही, तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी वैल्यू निकाल दूंगा। रूल नंबर 30 बस ये कह रहा है। और फिर रूल नंबर 31 क्या कहता है, रूल नंबर 31 कहता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मतलब कि अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वैल्यू तुम निकाल ही नहीं पा रहे, जैसे मैंने कहा जी ना तो मैं 27 में कवर हूं, ना मैं 28 में कवर हूं, ना मैं 29 में कवर हूं, और रूल नंबर 30 में भी ना मेरी वैल्यू नहीं निकल पा रही, तो गवर्नमेंट ने कहा ये मत सोच फिर तेरी वैल्यू निकलेगी नहीं। अगर तू अपनी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा फिर हम तेरी वैल्यू निकालेंगे, डिपार्टमेंट वैल्यू निकालेगा रूल नंबर 30 में। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, 27, 28, 29 और 30 में मौका दिया गया एसएससी को खुद अपनी वैल्यू निकालने का। और अगर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि मैं तो वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहा जी, और ये आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो, ताकि आप जीएसटी देने से बच जाओ, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो मेरी बात, अगर तुम अपनी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो हम तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे रूल नंबर 30। रूल नंबर 31 क्या है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कि हमारी बेस्ट जजमेंट में तुम्हारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो सारी की सारी बातें 31 में। ठीक है जी। और एक नया रूल अभी और भी है, रूल नंबर 31 कैपिटल ए, उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो एप्लीकेबल होता है लॉटरी वाले केस। अगर मान लो बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी है तो लॉटरी वाले केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूल नंबर 31 कैपिटल ए उसकी बात करेंगे। ठीक है जी। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रूल नंबर 27 से। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले मुझे ये बताओ 27 के पास हमें कब जाना है, बताओ। नहीं नहीं
जब 15-1 में तो वैल्यू निकल ही नहीं रही ना, वो तो हम तो देखो 15-4 के पास आए क्यों है कि 15-1 में वैल्यू नहीं है, वो तो हमें पता है। मैं कह रहा हूं 27 के पास कब जाना है, जब कंसीडरेशन सारा मनी फॉर्म में। अब एक बात मेरे को बताओ, मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे कुछ पैसा मनी में दिया, कुछ नॉन मनी में दिया, क्या यहां वैल्यू निकालनी पड़ेगी? तो वैल्यू 15-1 या रूल नंबर 27, आपने सारा पैसा मुझे नॉन मनी फॉर्म में दिया, 15-1 या 27, तो मतलब सिंपल सी बात निकल कह रहे कि अगर कंसीडरेशन सारा मनी फॉर्म में नहीं है तो वैल्यू निकालने के लिए 27 पिक्चर में आए। अब जब मैं 27 के पास गया ना, तो 27 ने कहा हम तुम्हें चार तरीके बताएंगे, इन चारों तरीकों से जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को वैल्यू बना देंगे तो जीएसटी निकाल। सबसे पहला तरीका गवर्नमेंट ने बोला, अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो हम वैल्यू क्या लेंगे, जो भी तुम्हारी ओपन मार्केट वैल्यू होगी ना उस वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होल इन मनी एप्लीकेबिलिटी कब होगी, या तो पार्शियल मनी पार्शियल नॉन मनी, या सारा नॉन मनी, या कंसीडरेशन नहीं। अब अगर वैल्यू बनानी तो वैल्यू क्या बनेगी, सबसे पहले उसने बोला कि जो भी आपकी ओपन मार्केट वैल्यू है वो आपकी वैल्यू निकल के आए। अब ये ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है कि मेरी सर्विस की या मेरे गुड्स की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। अब एक बात मैं सोच के बताओ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं आपको यहां पे कोचिंग की सर्विस दे रहा हूं। अब एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि सर फीस कितनी है, मैं कहा 10,000 फीस है, तो उसने कहा सर ये 5,000 का तो चेक ले लो और बाकी मेरे से इन काइंड में ले लो, मुझसे गिफ्ट ले लो। तो उसने 5,000 मनी फॉर्म में दिया, बाकी इन काइंड फॉर्म में दिया। पहली बात, क्या हमें इन काइंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी, तभी जीएसटी लगेगा। तो 27 के पास गए, 27 ने कहा कि अगर तुम्हारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो जो तुम्हारी सर्विस की ओपन मार्केट वैल्यू है उस वैल्यू को इसकी वैल्यू बना दो और जीएसटी लगा। अब ओपन मार्केट वैल्यू मीन्स क्या, कि फेयर मार्केट वैल्यू, कि तुम मार्केट में जाओ, मार्केट में तुम्हारी सर्विस की वैल्यू क्या है वो तुम देख लो, उस वैल्यू को तुम्हारी वैल्यू बना दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैं मार्केट में गया तो कई जगह टैक्स की कोचिंग मिल रही है 5,000 की, कई जगह मिल रही है 2,000 की, कोई कह रहा 12,000 की, कोई कह रहा 6,000 की, कोई कह रहा फ्री में ले लो, कोई कह रहा 7,000 दे दो, तो क्या इस सर्विस की मार्केट में कोई वैल्यू है? तो मार्केट वैल्यू ही नहीं है। आज अगर मान लो आपने ओप्पो का वीवो का एमआई का एप्पल का कोई भी फोन लिया, उसकी मार्केट वैल्यू है, अलग शोरूम पे जाओगे सेम प्राइस मिलेगा, वो बात अलग है, 2-3 रुपए का आपको 2-3% डिस्काउंट मिल गया उसकी बात नहीं कर रहा, बट प्राइस तो फिक्स है ना उसका, बट मेरी सर्विस का तो प्राइस ही फिक्स नहीं है। मार्केट में अगर 100 टीचर होंगे टैक्स के तो 100 टीचरों की फीस अलग अलग हो सकती है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मेरी सर्विस की ओपन मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कुछ पैसा मनी में कुछ नॉन मनी में तो जो तुम्हारी ओपन मार्केट वैल्यू है वही तुम्हारी वैल्यू है। अब मैंने गवर्नमेंट को बोला, मैंने कहा गवर्नमेंट मेरी सर्विस की ना ओपन मार्केट वैल्यू नहीं निकल पाती, क्योंकि काफी सारे मल्टीपल प्राइस हैं मार्केट में, अलग अलग प्राइस है, तो मार्केट में अलग अलग प्राइस होने की वजह से मेरी मार्केट वैल्यू निकल ही नहीं पा रही। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुझे लग रहा है देख, इफ ओएमवी इज नॉट अवेलेबल, अगर तुम्हारी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है देन फिर तुम ऐसे वैल्यू निकाल। मैंने कहा कैसे निकालूं, गवर्नमेंट ने एक बात बता, तुझे मनी में कितना मिला? मैं कह रही 5,000। कह रही इतना तो पता है, अब जो इन काइंड में तुझे मिला उस इन काइंड को मार्केट में लेके जा और उसकी वैल्यू पता लगा और उस मनी वैल्यू में उसको जोड़ दे, तेरी वैल्यू आ जाएगी। भाई सबसे पहला काम क्या कर, तू पूरी सर्विस की फेयर मार्केट वैल्यू देख, अगर वो नहीं है तो फिर मनी वैल्यू तुझे पता ही है, जो तुझे नॉन मनी फॉर्म में मिला उसको तो मार्केट में लेके जा और लोगों से उसकी वैल्यू पूछ, और जो उसकी वैल्यू होगी उसको मनी वैल्यू में जोड़ दियो, वो तेरी वैल्यू आ जाएगी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो मुझे 5,000 मनी फॉर्म मिला और एक बच्चे ने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये गिफ्ट कर दिया। अब जब मैं इसको मार्केट में लेके गया ना तो कुछ लोगों ने कहा इसकी वैल्यू हमारे लिए जीरो है, कुछ लोगों ने कहा इसकी वैल्यू के हम 1,00,000 भी देने को तैयार है, कुछ लोगों ने कहा ये 5,000 पे देंगे, कुछ लोगों ने कहा 10,000 पे देंगे। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मे बी ये मान लो एंटिक आइटम। अब एंटिक आइटम का मतलब फॉर एग्जांपल ओल्ड कॉइन्स है या पुराने जमाने की कोई चीज है जो कईयों के लिए उसकी वैल्यू है, कईयों के लिए वैल्यू नहीं है उसकी।
तो मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अब अगर मानो इन काइंड की भी मुझे वैल्यू नहीं पता लग पा रही, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर इन काइंड की वैल्यू पता लग गई फिर तो कलेश ही खत्म हो गया, मनी वैल्यू में इसको जोड़ दूंगा, काम खत्म, वैल्यू आगे जीएसटी लगा दो। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन काइंड की वैल्यू पता ही ना लगे। अब आपने मुझे कुछ ऐसी आइटम दे दी जो एंटिक्स आइटम है, आपने कहा सर ये संभाल के रखी हुई थी मैंने अपने लिए, बट मेरा मन कर रहा है आपको देने का, तो इसकी ना बहुत जबरदस्त वैल्यू है बट मैं मार्केट में लेके जा रहा हूं, अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। कोई कह रहा है ये जीरो है, कोई कह रहा है 2 रुपए की है, कोई कह रहा है 10 रुपए की है, कोई कह रहा है 5000 रुपए की है, कोई 1 लाख रुपए देने को तैयार बैठे। तो क्वेश्चन ही निकल कह रहा है कि अगर इन काइंड की वैल्यू भी मैं नहीं निकाल पा रहा तो मैं क्या करूं? तो अब सुना गवर्नमेंट क्या कह रही है कि देखो जी सबसे पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू ले, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता लग पा रही तो फिर मनी वैल्यू में नॉन मनी की वैल्यू जोड़ दो और अपनी वैल्यू निकाल। बट अगर तुम्हारी वैल्यू पॉइंट नंबर 2 में भी नहीं आ रही, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इफ वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड अंडर पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों में कहीं नहीं आ रही, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। इसका मतलब क्या कि यही सिमिलर सप्लाई तुमने किसी और को भी तो की होगी, कोई एक ही बच्चा थोड़ा होगा तुम्हारे पास, तो ये सिमिलर सप्लाई तुमने जिसको भी की है उससे तुमने क्या चार्ज किए वो वैल्यू उसकी वैल्यू है। भाई मान लो इस बच्चे ने मुझे मनी फॉर्म में दिया, इन काइंड फॉर्म में दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले तो ये बता तेरी सर्विस की मार्केट वैल्यू क्या है, मैं कह रही वो नहीं पता, कह रहे चल छोड़, कह रहे ये बता दे जो तेरे को नॉन मनी में मिला उसकी वैल्यू क्या है, मैं कह वो भी नहीं पता, कह रहे ठीक है, कह रहे अब तू कोई और बच्चा भी तो होगा ना भाई, तेरे पास इतने सारे बच्चे हैं उनसे तूने फीस क्या चार्ज की है वो इसकी फीस बन जाएगी और जीएसटी लगा दे। बट मैंने कहा सर पहला बच्चा है, फर्स्ट मैंने एक बच्चा पढ़ने के लिए आया और यही पहली बार मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, अब बताओ मैं क्या करूं, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैंने सिमिलर सर्विस किसी और को नहीं दी तो मैं क्या करूं? मैं तो गवर्नमेंट ये बात कहते कि अगर तेरे पर 0.3 भी नहीं लग रहा ना तो फिर जा रूल 30 और 31 के पास जा, वो तेरी वैल्यू निकाल। भाई जब 3 मौके हमने तेरे को दे दिए तो 3 मौकों में फेल हो गया ना तो फिर हम तेरी वैल्यू नहीं बता सकते, फिर जा तू रूल नंबर 30 और 31 के पास जा जी, वही तेरी वैल्यू निकालेंगे बस ये बात। ठीक है जी, अब मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि अगर पैसा आपका मनी फॉर्म में नहीं है, सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे, देखो आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक ही नंबर के बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं इसके। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो बताओ कौन सा रूल एप्लीकेबल हो, तो रूल नंबर 27। फिर वो ये पूछ लेंगे रूल नंबर 27 में इनमें से वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, पहला ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला मनी वैल्यू प्लस में नॉन मनी की वैल्यू जोड़ दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, अगर वो भी नहीं है तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू देख लो, अगर वो भी नहीं है फिर 30 और 31 के पास जाओ, वो तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे बस ये बात। अरे बच्चा ये बात कह रहा है सर 30 और 31 में तो क्या 31 पहले लगेगा 30 पहले लगेगा? देखो उसने क्या लिखा, इन दैट ऑर्डर मतलब पहले 30 फिर 31, ये बात है क्या मेरे पास समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ सबसे पहली बात 27 की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी बताओ, अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में, अच्छा अगर मनी में है और नॉन मनी में है दोनों में है तो क्या 27 लगेगा? अगर सारा नॉन मनी में है क्या 27 लगेगा? अगर कंसीडरेशन है ही नहीं क्या 27 लगेगा? यस लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 3 सिचुएशन मैंने बोली है जिन केस में 27 की एप्लीकेबिलिटी होगी, बस ये ध्यान देना कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में ना हो, क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रही है तो रूल नंबर 28 स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल जनरल। मतलब जहां पे रिलेटेड पार्टी की बात होगी तो 28 की बात होगी, जहां रिलेटेड पार्टी की बात नहीं होगी उस केस में 27 की बात होगी, प्रोवाइडेड कि आपके इन तीनों में से कोई भी एक केस होना चाहिए। ठीक है चलो, अच्छा अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी एक है तो कौन सा रूल लगेगा? 27 क्या कह रहा है, सबसे पहले किस वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू। वो क्या होती है जी? फेयर मार्केट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या जो तुम सर्विस दे रहे हो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। मेरे पास समझ में आ रही है? मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जैसे एक बात मेरे को बताओ, आज अगर मान लो एक अंकल चिप्स का पैकेट है, अब अगर अंकल चिप्स का पैकेट 10 रुपए का मार्केट में वो है, मैंने आपको फ्री में दे दिया,
या मैंने आपको अंकल चिप्स का पैकेट दिया, आपने मुझे कोई गिफ्ट दे दिया, तो क्या अंकल चिप्स की मार्केट में वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल है। आप किसी दूसरी दुकान में जाओगे 10 का मिलेगा, पूरी दिल्ली में पूरे इंडिया में कहीं जाओगे 10 का मिलेगा। तो गवर्नमेंट का मार्केट वैल्यू ₹10, तो ₹10 तेरी वैल्यू है, ₹10 लगा दे जीएसटी। बट कई बार क्या होता है, कई गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू होती नहीं है। अब मार्केट वैल्यू क्या नहीं होती, आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार देखा होगा, मुझे नहीं पता आपके एरिया में है या नहीं है, लक्ष्मी नगर में तो है, आप कई बार चेक करना, कई बार ना जो नमकीन वाले होते हैं तो कई नमकीन खुली भी मिलती है, आप कई बार देखना वो बड़े बड़े लिफाफे के अंदर वो नमकीने डाल के बैठे होते हैं, फिर वो तोल के आपको नमकीन देते हैं, इतने पाव। किस किसने चीज देखी है, सबने देखी ऑलमोस्ट। अब एक बात मेरे को बताओ, वहां पे चिप्स भी मिलते हैं, आलू भुजिया भी है। अब वो उसने काली आलू भुजिया ₹25 की पाव है, उसने 25 की पाव दी, बट आलू भुजिया वो जो दे रहा है मार्केट में मल्टीपल रेट उससे चल रही है। हल्दीराम के लोगों तो अलग मिलेगी, बकैनों के लोगों तो, मिडकानों के लोगों तो अलग, मतलब अलग अलग मार्केट प्राइस होगा नहीं होगा। तो इस केस में मार्केट प्राइस निकल ही नहीं पा रहा। अगर मैं हल्दीराम की आलू भुजिया लूंगा उसका मार्केट प्राइस है, अगर मैंने खुली आलू भुजिया ली तो मार्केट प्राइस वेरी कर सकता है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कई अनब्रांडेड गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। मैं कह रहा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कह रहे जो तुझे मनी फॉर्म में मिला वो तो पता ही है तुझे, जो तुझे नॉन मनी के अंदर मिला उसको तो मार्केट में लेके जा कि उसकी वैल्यू क्या। अब अगर उसकी वैल्यू पता लग गई तो फिर मनी में नॉन मनी को जोड़ दियो, तेरी वैल्यू आ गई। बट अगर तू कह रहा है कि नॉन मनी की वैल्यू भी नहीं मुझे पता, तो भाई फिर ऐसा कर पॉइंट नंबर 3 के पास। पॉइंट नंबर 3 ने क्या बोला कि यही सिमिलर सप्लाई तूने किसी और को भी तो की होगी, उससे जो चार्ज किए वो ले ले। मैंने कहा ऐसा भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा जा फिर 30 और 31 के पास जा, वो तेरी वैल्यू निकालेंगे काम खत्म। क्या आपको बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का? तो देखो चार पैटर्न हो गए, पहला ओएमबी नहीं है तो मनी वैल्यू में नॉन मनी वैल्यू को जोड़ दो, नहीं है तो फिर सिमिलर सप्लाई की वैल्यू ले लो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और नहीं है तो 30 और 31 के पास ले जाओ जी, ये आपकी वैल्यू नहीं। डन है जी। तो ये पॉइंट आपका 27 के अंदर निकल के आ रहा है। अब एक बार यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। देखो जी एग्जांपल क्या लिखा है, वेयर ए न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर ₹20,000 अलोंग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन, एंड इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज ₹24,000, द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू फोन इज ₹24,000। भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि न्यू फोन दिया, ओल्ड फोन ले लिया, और अगर ये ओल्ड फोन सॉरी मैंने आपको न्यू फोन दिया बदले में ओल्ड फोन ले लिया, अगर मैं ओल्ड फोन नहीं लेता तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी है 24, तो वैल्यू कितनी बनेगी 24, तो गवर्नमेंट का ओपन मार्केट वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू है। आपको ये नहीं देखना कि आपने बदले में क्या लिया, उसकी वैल्यू क्या है। गवर्नमेंट कह रही है अब ओपन मार्केट वैल्यू पता है तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू ही लेंगे, बस ये बात ध्यान। आगे देखो जी, वेयर ए लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर ₹40,000 अलोंग विद द बायटर ऑफ ए प्रिंटर that is manufactured by their CPN and the value of the printer known at the time of supply is ₹4,000, but open market value of the laptop is not known. अब अपने आप बोल दो क्या होगा, तो फिर 4,000 वो और 40,000 वो, तो कितना हो गया 44,000 रुपए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो यहां दिया हुआ। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं रूल 27, ठीक है। तो अगर OMB पता है तो फिर OMB आंसर बनेगा, नहीं पता तो फिर सेकंड वाला केस निकल कर रहा है मनी वैल्यू में नॉन मनी वैल्यू को जोड़, ठीक है। अच्छा अब आ गया रूल नंबर 28। अब रूल नंबर 28 एप्लीकेबल कब होगा बताओ जी, रूल नंबर 28 कब लगेगा, कि जब रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हो। अब गवर्नमेंट ने कहा रूल नंबर 28 ये बात कह रहा है कि या तो वैल्यू निकाल लो ये, या तो ऐसे या ऐसे, और या तो वैसे। मतलब सुनो इसका मतलब क्या, अगर मान लो आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो, मैंने आपको सामान बेचा, आप रिलेटेड पार्टी हो, तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले जो ओपन मार्केट वैल्यू है ना वो तेरी वैल्यू, जो 27 में था सेम यहां पर भी, सबसे पहले अगर तेरे को ओएमबी पता है तो ओएमबी तेरी वैल्यू, अगर तेरे को ओएमबी नहीं पता, ध्यान से, इफ देयर इज नो ओएमबी देन वैल्यू ऑफ सेम लाइक काइंड एंड क्वालिटी। याद आ रहा है कुछ इसका मतलब क्या है, कि अगर ये सिमिलर सप्लाई आपने किसी और को भी तो की है तो क्या होगा। आप चेक करो 27 में दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था वहां पे जो यहां पे दूसरा बन गया, मतलब यहां पे दूसरा पॉइंट वो नहीं है मनी में नॉन मनी वैल्यू को जोड़ दो, उसका रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है रिलेटेड पार्टी के बीच में
जब भी तुम ट्रांजेक्शन करोगे तो नॉर्मली वो नॉन कंसिडरेशन में हो, क्योंकि अगर वो कुछ कंसिडरेशन में है फिर तो तुम 27 लगा दोगे अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है। बट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर या तो तुम्हारी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो ये सिमिलर सप्लाई तुमने किसी और को भी तो की होगी वो वैल्यू, अगर वो भी नहीं पता फिर 30 और 31 के पास या तो वैल्यू निकाल लो ऐसे। या गवर्नमेंट ने कहा, ध्यान सुना जी, या गवर्नमेंट ने कहा 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट व्हिच एवर इज लेस, ये आपकी वैल्यू आएगी। और देखो मैंने क्या लिखा है नोट में, ये और में ध्यान रखना, ये और में है सेम काइंड क्वालिटी के साथ। इसका मतलब क्या है, अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या निकल क्या रहा है, मैं आपको एक बार एक्ट दिखाता हूं। ये देखो जी, ये नालायक ने गलत लिखा, एक बार यहां पे चेक करना जी। देखो जी, ये आपका एक्ट है, ये रूल्स हैं जीएसटी, तो रूल नंबर 28 आपको दिया हुआ है जी, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन। अब देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरे में क्या लिखा है, अगर ओएमवी अवेलेबल नहीं है तो वही सिमिलर लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब सिमिलर सप्लाई की वैल्यू नहीं है तो रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ। फिर नीचे लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच By the recipient, the value shall at the option of the supplier be an amount equivalent to the 90% of the price charged for the supply of goods or like kind and quality by the recipient to his customer, not being a related person. इसका मतलब क्या है? बताओ, एक बार दोबारा पढ़ो अच्छे से। Provided that where the goods are intended for further supply as such By the recipient, the value shall at the option of the supplier. कितनी वैल्यू बनेगी? B 90%. हाँ जी, equivalent to the 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer, not being a related person. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि या तो आपकी वैल्यू बनेगी ये, या तो वैल्यू बनेगी ये, या वैल्यू बनेगी ये, और हम एक ऑप्शन भी दे रहे हैं सप्लायर को कि वो अपनी वैल्यू ये भी बना सकता है। अगर वो ये ले लेगा तो फिर ये तीनों केस बेकार है, और अगर वो यहां नहीं आना चाहता फिर वैल्यू निकलेगी ऐसे। अभी इसका मतलब क्या, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई, ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, बहुत ध्यान सुनना जी, ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। एक्स ने वाई को सप्लाई की, मान लो कोई भी गुड्स सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन, ठीक। अगर विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई किया तो पैरा टू ने बोला ये सप्लाई है भाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये पैरा टू में सप्लाई है। तो एक्स ने बोला बिल्कुल सप्लाई है, मैं तो खुद कह रहा हूं सप्लाई है, तो गवर्नमेंट ने कहा ला जीएसटी, तो मैंने कहा वैल्यू, क्योंकि पैसा मैंने मनी फॉर्म में तो लिया नहीं, इवन पैसा मैंने लिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं 28 के पास जा। जब मैं 28 के पास गया, उसने कहा ओएमबी, या ओएमबी नहीं पता तो सिमिलर सप्लाई तूने किसी और को भी की होगी, वो नहीं पता 30-31 के पास जा। मान लो, मान लेते हैं इसकी ओपन मार्केट वैल्यू, जो ये सामान मैंने बेचा है इसकी ओपन वैल्यू जो है वो 4000 रुपए की है,
मतलब मार्केट में ये सामान 4000 रुपए का, तो अगर ये प्रोवाइडेड दैट वाला वर्ड ना होता तो मेरी वैल्यू कितनी आती, उस पर जीएसटी लग जाता, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अगर ओपन मार्केट वैल्यू 4000 है तो मेरी 4000 पे जीएसटी लग जाता, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, ओपन मार्केट वैल्यू दी है तो फिर ओएमवी ही तेरी वैल्यू है, फिर मेरे 4000 बन जाती, 4000 पे जीएसटी लगता, फिर गवर्नमेंट ने लिखा प्रोवाइड दैट। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन, वाई ने यह सामान आगे बेचा जेड, और जेड वाई का रिलेटेड पर्सन नहीं है, जेड वाई का रिलेटेड पर्सन, उसने सामान बेचा फॉर एग्जाम्पल 5000 का, एक्स ने वाई को बेचा फ्री में, उसकी वैल्यू निकालनी, वाई ने जेड को बेचा 5000 में, अब गवर्नमेंट ने कहा सुन क्या वैल्यू बनेगी, या तो 4000 या 90% प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन, मतलब जिसको तूने सामान बेचा उसने जब आगे सामान बेचा अनरिलेटेड पर्सन को, उससे जो चार्ज किया उसका 90%, तो 5000 का 90 कितना बनेगा 4500, तो 4500 और 4000, तो मैं वैल्यू कौन सी लूंगा 4000, क्योंकि जीएसटी कम आएगा ना, ऑप्शन दिया उसने, ये नहीं का वो लेनी, ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने कहा जो मर्जी वैल्यू बना दो। अच्छा अगर मैं 5000 की बजाय आगे सामान बेचता फॉर एग्जाम्पल मान लो 4200 रुपए, तो 4200 रुपए का 90% कितना बनता जी, मेरे ख्याल से बनता 3780 रुपए, 3780 बनता, अब 3780 और ओएमवी 4000 है तो वैल्यू कितनी बनती 3780, बस ये बात, वो ये बात कहना चाहते, तो सिंपल सी। अच्छा ये ना यहां से ये काट लेना, इसने गलत लिखा हुआ है, ये पॉइंट यहां से कट कर लेना, आपकी नोट्स में ये पॉइंट कट कर लेना, मतलब या तो वैल्यू बनेगी ये या वैल्यू बनेगी ये, इनमें से लेस वाला आपकी वैल्यू बनेगी, बस ये बात ध्यान, ठीक है। अगर साइड में थोड़ा स्पेस है एग्जांपल लिख लो ताकि आपको जब रिवीजन करो तो आपको आसानी हो, ठीक है। एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं, एग्जांपल मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, ठीक है जी, एक्स एंड वाई आर रिलेटेड पर्सन, अब लिखो यहां पे जी, वाई ने आगे सामान बेचा जेड को, आर नॉट रिलेटेड पर्सन, ठीक है जी, ओएमवी जो है 4000, और इसने सामान बेचा आगे वाई ने जेड को, केस वन 4300 का 5000, तो वैल्यू जो निकलेगी केस वन में 4300 का 90% कितना आएगा, है 387, तो लेस बनेगा ये, तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी, ठीक है जी, इसमें इसमें से लेते हैं लेस, तो लेस मेरा 3870 है, ठीक है, और फिर वैल्यू केस टू में 4000 का 90% दैट इज 4500, तो लेस बनेगा यहां पे 4000,
तो वैल्यू बनेगी 4000। चले जी लॉक कर दो। तो ये आपका है रूल नंबर 28। ठीक है, तो बताओ रूल नंबर 28 में क्या समझ में आया आपको? तो रूल नंबर 28 कह रहा है कि पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो फिर सिमिलर सप्लाई की वैल्यू वो नहीं पता, 30 और 31, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, या फिर गवर्नमेंट ने बोला जितने का रिसीवर ने सामान बेचा उसका 90% विच एवर इज लेस जो आ रहा है वो तुम वैल्यू ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए। ठीक है जी, अब अगला आ रहा है रूल नंबर 29। तो गवर्नमेंट ने कहा रूल नंबर 29 एप्लीकेबल तब होगा अगर सप्लाई हो रही है प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल के बीच में, उस केस में 29 लगे। और 29 ध्यान से बनना, 29 देखो क्या लिखा है, 29 में लिखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी जी, ध्यान से पढ़ना, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट, ऑप्शन है विच एवर इज लेस। और अगर ऐसी वैल्यू नहीं निकल रही फिर तुम 30 और 31 के पास जाओ जी, ये बात ध्यान। अब सुनो इसके अंदर फर्क क्या है, आप चेक करना, ये वाला पॉइंट 28 में भी था ना, बट 28 में जो था वो 28 में पूरे 28 के साथ था। मतलब 28 में क्या था, या तो पहली वैल्यू ले लो या दूसरी या तीसरी, नहीं तो ये इनमें से लेस। नहीं यार बात समझ भाई, या तो था उन तीनों में से कोई एक या उन तीनों के साथ में था 90% विच एवरेज लेस। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां गवर्नमेंट कह रही है या तो ओपन मार्केट वैल्यू या 90% विच एवरेज लेस, या तो ये ले लो नहीं तो फिर तुम 30 और 31 के पास जाओ, वो तुम्हारी वैल्यू निकाल। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इसमें 90% वाला पॉइंट आपके इन दोनों पॉइंट के बाद नहीं है, पहले पॉइंट के साथ में। ठीक है, आपको मैं एक्ट में दिखाता हूं, देखो एक्ट में क्या लिखा होगा। बच्चा कह रहा है सर अगर रूल नंबर 28 में रिसीवर ने नहीं बेचा, तो अगर नहीं बेचा तो ओपन सी ऑब्वियस बात है फिर 30 और 31 के पास जाओ, आपको मैंने कहा तो है वो तो है ही है ना, ये तो ऑप्शन है। अगर बेचेगा तब ये 90% वाला लगेगा, अगर वो बेचेगा ही नहीं तो फिर नॉर्मल पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप चेक करना, देखो यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना चाहिए 29। अब देखो 29 में क्या लिखा है, प्रिंसिपल एजेंट। अब क्या उन्होंने क्या लिखा है, वैल्यू क्या बनेगी ध्यान से, बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड और, अब सोच के बोलना क्या ये और ए और बी के बाद है या ए के साथ ही है, ए के साथ, और वहां पे तीनों के बाद लिखा हुआ था। नहीं यार ये बात समझ आ रही, वहां पे अगर आप चेक करोगे ये तीनों के बाद था ना, यहां पे तीनों के बाद नहीं, यहां पे ए के साथ है। तो कह रहे हैं और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ऑफ द सप्लाई गुड्स लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय द रिसिपिएंट। मतलब वही सेम बात दिख रही है कि या तो ओएमबी या रिसीवर जितने का बेचेगा उसका 90% विच एवरेज लेस, या तो ये ले लो नहीं तो, अगर तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे ओएमबी नहीं पता या मैंने आगे बेचा ही नहीं है, तो फिर 30 और 31 के पास जाओ, वो तुम्हारी वैल्यू निकाल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक बार देखो यहां पे मैंने क्या लिखा होगा, देखो या तो 90% या ओएमबी विच एवरेज लेस, अगर नहीं हो रहा तो इफ वैल्यू नॉट डिटरमाइन अंडर पॉइंट नंबर 1 देन रूल नंबर 30 और 31 जो होंगे इस केस में एप्लीकेबल हो जाएंगे। बताओ अब नीचे इसका ना एग्जांपल दिया हुआ है, मैं चाहता हूं एग्जांपल अगर आप पढ़ लोगे तो आप एक बार पहले खुद पढ़ बोलना आराम से, एग्जांपल पढ़ो और चेक करो क्या लिखा है एग्जांपल में।
मैं पढ़ाऊं, देखो जी, ए प्रिंसिपल सप्लाई, ध्यान से, ए प्रिंसिपल सप्लाई ग्राउंडनट टू हिज एजेंट एंड द एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंडनट ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाई एट ए प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने आगे बेच दिया 5,000, ठीक है। फिर उसने कहा जी अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर इज सप्लाइंग ग्राउंडनट ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू द सेड एजेंट एट द प्राइस 4,500। अब उसने ये ग्राउंडनट कहीं और से लिए 4,500 की, ये ना, तो मतलब ओपन मार्केट वैल्यू 4,500 तो ओपन मार्केट वैल्यू 4,550 आ गई। भाई प्रिंसिपल ने मुझे दिए फ्री में, किसी और ने सेम ग्राउंडनट मुझे 4,550 रुपए के दिए, तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? 4,550। तो गवर्नमेंट ने कहा या तो 4,550 या जितने का एजेंट ने आगे बेचा उसका 90%, वो कितना बनेगा? 4,500। तो 4,500 और 4,550 लेस क्या बनेगा? 4,500 रुपए की वैल्यू बनेगी, बस ये बात। तो वो सिंपल सी बात, ये बात कहना चाह रहा है कि सर या तो ओपन मार्केट वैल्यू लो या जितने का आपने आगे बेचा उसका 90%। और 28 और 29 में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है सर, जमीन आसमान का फर्क है। 28 लग रहा है रिलेटेड पार्टी में, डिस्टिंक्ट पर्सन में, 29 लग रहा है प्रिंसिपल एजेंट में, 28 लग रहा है शेड्यूल 1 के पैरा 2 में, और 29 लग रहा है शेड्यूल 1 के पैरा 3 में। फिर 28 में जो एक्सेप्शन है 90% वाली, वो तीनों के बाद है, या तो वो तीनों में से कोई या ये लेस। इसमें जो है या तो ओएमवी या 90 बीच एवरेज लेस। तो ये फर्क 28 और 29 में निकल के आ रहे हैं। और अगर तुम्हारी वैल्यू ये नहीं निकलती, फिर गवर्नमेंट ने कहा तुम 30 और 31 के पास जाओ, वो वैल्यू तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे, बस ये पद। बात समझ आ रही है जी? पक्का पक्का। अब मैं एक बार ना कंक्लूड कर रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, सुनो ध्यान से, अब क्या निकल के आ रहा है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं 27, एक तरफ लिख रहा हूं 28, एक तरफ लिख रहा हूं 29, ठीक है। 27 कहता है अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो वैल्यू निकालोगे 27। रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है 28, प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल 29। 27 ने कहा देखो रही, वैल्यू निकालने के चार तरीके, या तो ओएमवी, नहीं पता ओएमवी तो मनी की वैल्यू प्लस में नॉन मनी की मनी वैल्यू, जो नॉन मनी है उसकी मार्केट में जाओ मनी वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो, ये वैल्यू। नहीं पता तो सिमिलर सप्लाई जो की है उसकी वैल्यू निकाल लो, नहीं पता तो 30 और 31 के पास। चार पॉइंट है 27। फिर 28 ने कहा रिलेटिव पार्टी वाले केस में ओएमवी, इसमें ये बी पॉइंट, ये वाला यहां पे नहीं है, जो यहां सी है वो वहां बी बन गया, तो यहां पे बी पॉइंट है सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, नहीं पता तो फिर 30 और 31 के पास। फिर गवर्नमेंट ने कहा या तो ये, या तो ये, या तो ये, या और 90% ऑफ प्राइस चार्ज, इनमें से जो लेस है वो तुम्हारी वैल्यू, ठीक है। ये 28 ने, फिर 29 ने कहा ओएमबी या 90% इसमें से लेस, या तो ये, अगर नहीं पता तो ये वाला पॉइंट यहां पे नहीं है, ये वाला पॉइंट भी यहां पे नहीं है, सीधे 30 और 31 के पास। तो अगर कोई समझदार बच्चा होगा, 27 में चार क्लोज है, 28 में तीन क्लोज है, 29 में दो क्लोज है, बस चार से तीन हुए, तीन से दो हुए, ये बात ध्यान, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब अगर मान लो बच्चा ये बात कहता है सर जैसे मान लो 27 ने मुझे रेफर कर दिया कि अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं है तुम 30 और 31 के पास जाओ, सेम बात मुझे 28 ने भी बोली, सेम बात मुझे 29 ने भी बोली, अब ये 30 और 31 है क्या? तो गवर्नमेंट कह रही सुनो हम तुम्हें बता, जैसे मान लो मैंने कोचिंग की सर्विस दी और एक बच्चे ने मुझे मनी में दिया, एक बच्चे ने काइंड में दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा ओएमवी निकाल ले, मैं कहा नहीं निकल पा, कह रहा इन काइंड की वैल्यू निकाल ले, मैं कहा वो भी नहीं निकल पा, कह रहा सिमिलर सप्लाई तूने किसी और को दियो, मैं कहा नहीं दी, कह रहे जा फिर 30-31 के पास जा, मैं कहा ठीक है। जब मैं 30 के पास गया तो उसने कहा एक बात बता, ना तेरी ओएमवी है
ना तेरी इन काइंड की वैल्यू तुझे पता है और ना सिमिलर सप्लाई दे रही है। तो अब ये बता दे बस तू, जो तू सर्विस दे रहे उसकी कॉस्ट क्या है? इतना तो पता होगा भाई, जो तू सर्विस दे रहे है उसकी कॉस्ट क्या है भाई? कॉस्ट मतलब बुक्स की कॉस्ट कितनी है, रेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, तो पर बच्चे की कॉस्ट निकाल ले। और जो तू हमें कॉस्ट बताएगा उसका 110% हम तेरी वैल्यू मानते, मतलब हम 10% ये मान लेंगे तो प्रॉफिट कमाएगा। भाई तूने कहा तेरी कॉस्ट 5,000 है तो तेरी वैल्यू 5,500 है, 5,500 पे जीएसटी लगा दे हमें पे कर। अब जब गवर्नमेंट ने कहा जो तेरी कॉस्ट है उसका 110% बनेगा, तो लोगों के मन में बड़ा बनेगा ना, इंडियन माइंड बहुत तेज चलता है, लोगों ने फिर हम कॉस्ट कम बता देंगे, हम कॉस्ट कम बता देंगे, हम कॉस्ट बोलेंगे 1,000 रुपए कॉस्ट है बस, ताकि जीएसटी सिर्फ लगे 1,100 रुपए के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने लिखा क्या लिखा कि अगर हमें लगेगा कॉस्ट तुम्हारी सही नहीं है, तुम कोई घपला कर रहे हो, फिर हम तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे रूल 30 बन, फिर तुम्हारी सारी वैल्यू देखा, मतलब हम तुम्हें लास्ट मौका दे रहे हैं बस। अब अगर यहां भी वैल्यू तुम सही नहीं निकाल पा रहे तो फिर हम तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे, तुम्हारे बस का नहीं है, हम अपने आप निकालेंगे। तो देखो जी, अगर मैं रूल नंबर 30 की बात करता हूं तो रूल नंबर 30 देखो क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन कॉस्ट बेस, इसका मतलब इफ वैल्यू नॉट डिटरमाइंड अंडर 27, 28, 29 देन वैल्यू शुड बी कितनी, 110% किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ सर्विस। मतलब अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, अगर तुम प्रोडक्शन करते हो उसकी कॉस्ट, अगर तुम ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग की कॉस्ट, अगर तुम सर्विस देने वाले हो तो सर्विस की कॉस्ट, जो भी तुम्हारी कॉस्ट आ रही है उसका 110% जो है वो तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी, बस ये बात कहना। और देखो फिर आगे क्या लिखा है रूल नंबर 31 जज मेजरमेंट, इफ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर 27 to 30 देन वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय द डिपार्टमेंट यूजिंग रीजनेबल मींस। मतलब ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट भी जबरदस्ती कुछ भी वैल्यू निकाल देगा, वो भी रीजनेबल मींस यूज करेगा। रीजनेबल मींस का मतलब होता है लॉजिकल व्यू। भाई हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे को लग रहा है वैल्यू 5,00,000 है, पागल तो नहीं है वो भी? तो गवर्नमेंट का तुमसे नहीं निकली ना, हम तो निकाल देंगे, और टेंशन मतलब हम भी रीजनेबल मींस यूज करेंगे और तुम्हारे सामने वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकलेगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या है सर, असेसी ना प्लानिंग कर सकते, असेसी क्या बोलेगा मेरी वैल्यू आई नहीं थी, ताकि उसको जीएसटी ना देना पड़े। तभी गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रखी हुई है कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे बस का नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे बस का है, हम वैल्यू निकाल, बट कब, बिल्कुल लास्ट में जब तुम सरेंडर कर दोगे कि अब हमारे बस का नहीं। तो पहले हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, हमने 27 दिया, 28 दिया, 29 दिया, फिर 30 भी तुम्हें दिया। अब अगर फाइनली तुम कहीं भी नहीं निकाल पा रहे तो फिर 31 में हम तुम्हारी वैल्यू निकाल देंगे, बस ये पद। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, अब मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो जो भी आपने यहाँ पॉइंट किए हैं उसका अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, एक बार ये नोट पढ़ना क्या लिखा होगा, पढ़ो नोट क्या लिखा है। सर्विस प्रोवाइडर में इग्नोर द रूल 30 व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू, दे कैन गो डायरेक्टली टू द रूल नंबर 31। ऐसा पता क्यों है? आप सब जानते हो सर्विस की कॉस्ट निकालना मुश्किल है। आपने आपने एक मेरे ख्याल से कोस्टिंग पढ़ी, अपने कोस्टिंग पढ़ ली है ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में है आपके, मेरे ख्याल से है ना, पोस्ट एफएम का पेपर भी तो है, सीएमए एफएम, तो उसमें लेबर कॉस्ट एक चैप्टर, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो गुड्स की कॉस्ट निकालना आसान है, उसके तरीके हैं कॉस्ट निकालने, सर्विस की कॉस्ट निकालने के तरीके नहीं, उसमें दिक्कत आती है। तो तभी गवर्नमेंट ने कहा अगर सर्विस वालों को लगता है, ऐसा नहीं हम कह रहे जाओ, लगता है कि हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते तो तुम 30 को इग्नोर करके सीधा हमारे पास आ जाओ, सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी वैल्यू निकाल। हाँ अगर तुम्हें टाइम वेस्ट करना कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉस्ट निकाल सकते हो निकाल लो, अगर हमें लगेगा सही है तो ठीक है, नहीं तो 31 तो भी आएगा। बट अगर तुम्हें लग रहा है नहीं यार टाइम वेस्ट होगा, सर्विस वाला केस है, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दिक्कत आएगी, तो तुम उसको इग्नोर करके 31 के पास भी आ सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है कि ऐसा ऑप्शन इनमें से किसको मिला है, ओनली सप्लाई ऑफ सर्विस वालों को, गुड्स वालों को नहीं मिला हुआ। मैं दोबारा बोल दूं, सर्विस वालों को इग्नोर करने की बात बोली गई है, गुड्स वाले पहले 30 के पास जाएंगे ही जाएंगे, फिर 31 के पास जाएंगे। बात समझ आ रही है जी? पक्का पक्का। तो अब एक बार यहां पे देखो, ये देखो पूरा डायग्राम मैंने बनाया है, बहुत बढ़िया सा क्या निकल के आ रहा है देखो जी, ये पूरा समरी डायग्राम देखो, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5,
वन ने क्या बोला जी, ट्रांजेक्शन वैल्यू कब लेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई। पहली कंडीशन बायर सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, एंड सेकंड कंडीशन प्राइस इज द सोल। उसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे, 15-2 को जोड़ देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर वैल्यू यहां पे नहीं निकल रही तो कहां जाना पड़ेगा, 15-4 के पास गए, उसने रेफर कर दिए रूल्स, रूल्स रेफर कर दिए, फिर रूल्स आगे 27 से लेके 31 तक, फिर 27 ने कहा ओएमवी नहीं है तो मनी वैल्यू प्लस में इन काइंड की वैल्यू, नहीं है तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, नहीं है तो 30 और 31। फिर 28 ने क्या बोला, 28 ने बोला ओएमवी नहीं है तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू, नहीं है तो रूल 30-31 या 90% बीच एवरेज लेस। फिर 28 ने बोला ओएमवी और 90 बीच एवरेज लेस, नहीं तो 30 और 31 के पास जाओ। फिर 30 ने बोला जो कॉस्ट है उसका 110% वैल्यू निकाल लो। 31 ने बोला अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हम तुम्हारी वैल्यू निकाल लें। और देखो फिर मैंने नीचे लिखा है, क्या लिखा है मैंने, गुड्स वाले केस में 27, 28, 29, 30, 31, सर्विस वाले केस में क्या हो सकता है 27, 28, 29, 30, 31 या डायरेक्टली 9, सॉरी आप जो 27, 28, 29 अच्छा डायरेक्टली गो ना, लगने परसेंटेज लगा रखे हैं, मैं भी कहूं 90% कैसे आ गया, डायरेक्टली गो 231 आफ्टर 27, 28, 29। ठीक है जी, ये डायग्राम बना हुआ, वैसे तो आपका बनाना है बना लो आपकी जो मतलब, ये बुक में तो है ही है सारा। ठीक है अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले क्लियर है, पक्का पक्का जी। तो ये हमारा था जी आपका 27 से लेके 31 तक के रूल्स। ठीक है अब एक रूल हमारा बैलेंस बचा हुआ है 31 कैपिटल ए। ठीक है जी अब जो 31 कैपिटल ए है ये रूल आपका है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा और दो तीन बार बन भी चुका है और हर बार बनने के चांस है, इसमें थोड़ी सी बच्चा गलती करता है। अब सुनो ध्यान से, 31 कैपिटल ए है क्या, एक बार हेडिंग बोला 31 कैपिटल ए की, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस। अब सुना ध्यान से कहना क्या चाहते, पहले क्या था, आज से 2 साल पहले लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस इनकी वैल्यू निकालने का तरीका सेम था और इसमें दो तरह के रेट थे, दो तरह के रेट थे 28% और 12%, 28% लॉटरी और 12, कुछ केस में 12% था कुछ केस में 28% था और सबका तरीका सेम था, चाहे बैटिंग हो गैम्बलिंग हो हॉर्स रेस हो लॉटरी हो, गवर्नमेंट बोलती है सबका तरीका सेम ही है, इस तरह से वैल्यू निकले। फिर गवर्नमेंट ने सबसे पहला चेंज किया, लॉटरी की वैल्यू को निकालने का तरीका अलग रखा, बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेस को निकालने का तरीका अलग, पहला बाइफर्केशन तो ये किया। और दूसरा बाइफर्केशन क्या किया, जो दो रेट थे वो खत्म कर दिए, अब एक सिंगल रेट सिस्टम है 28%। मतलब अब गवर्नमेंट कह रही है लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग कोई भी है ना, हमेशा 28% जीएसटी का रेट लगेगा, 12% वाला कोई कलेश नहीं, सट्टा खेलो 28% जीएसटी दे दो। जैसे आजकल आपको बताओ, अब ये ड्रीम इलेवन और अभी अश्नीर ग्रोवर ने एक ऐप नहीं लॉन्च किया क्रिक पे, जो भारत पे था अब उसने क्रिक पे बनाई है, फिर क्रिक 11 करके भी है, पता नहीं आजकल तो कई सारी आ चुकी है जहां पे लोग ये काम करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, पता नहीं मेरे को तो पता भी नहीं कि उसके अंदर क्या क्या होता है, और उसके अंदर पैसे लगते हैं फिर पैसे मिलते हैं, कुछ ऐसे काम चलता है। तो जो भी आप इससे पैसा जीत रहे हो ना, ये सब आप यहां पे आए, सब पे 28% जीएसटी है, क्योंकि ये सब क्या है, बैटिंग है गैम्बलिंग है जी, आपकी लॉटरी में कवर है, मतलब लॉटरी में तो कवर नहीं है बट बैटिंग और गैम्बलिंग में कवर है, क्योंकि जितने भी आपकी गेम्स है ना ऐसी वो सारी की सारी इसमें है। आजकल कई सारी गेम्स आ चुकी है पैसा कमाने वाली, एक और है पोकर करके जी, पोकर उसके अंदर भी यही सिस्टम है क्या पैसे, मतलब और आप चेक करना कर, हमेशा लास्ट के अंदर बोलते भी है कि इसमें आपका वित्तीय जोखिम इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो प्लीज वो ध्यान से अपना खेलें या ध्यान से देखें, और वो इतनी तेजी से बोलते हैं वो लाइन कई बार समझ नहीं आती पूरी, उसको रीजन है क्योंकि अगर वो आराम से बोलेंगे तो लोग फिर खेलेंगे नहीं, ठीक है ना, वो उनको उनको अपना काम पूरा करना है कि हमने वो लाइन बोल दी जी, अब तुमने नहीं सुनी तो हमारी गलती, ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या जितनी भी गेम्स चल रही है, जैसे आज मैं बताता हूँ
कौन बनेगा करोड़पति जो है वो भी इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, ये मतलब जितनी भी गेम्स हैं, चाहे मान लो हॉर्स आ रहे, घोड़ों की रेस हो रही है आज, कोई कोई नहीं नहीं उसके अंदर गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग है ना, वो भी स्पेकुलेशन है ना, तुक्के ही तो है, या तो सही या गलत। आर 30% से वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, जीएसटी के अंदर भी 28% में आएगा उसका। जितनी भी गेम्स मैं कह रहा हूं, जो भी गेम्स है वो सारी के सारी इसके अंदर कवर है। आज अगर मैं गेम्स, जैसे आज कार्ड गेम्स होती है, आपको मैंने बोला कार्ड गेम्स होती है, आज आपकी हॉर्स रेस होती है, आज आप जाओ गोवा के अंदर कैसीनो बने हुए हैं, वहां गेम्स चलती हैं। अभी पता नहीं कल परसों की बात है, नहीं पता नहीं कौन मेरे को बता रहा था कि वो यूएस में गया, तो यूएस में मतलब वहां पे ना 80 साल के लोग मतलब कैसीनो में आराम से अपना ये गेम्स वेम्स खेल रहे हैं 80 ईयर के। यहाँ तो हमारे कुछ मतलब अपना इंडिया में तो 60 साल के बाद जी राम राम जी ये हो रहा था। ठीक है, तो वहां एक अलग लाइफ है, वहां एक अलग दुनिया चल रही है। तो चलो छोड़ो उसको, अब एक बात मेरे को बताओ जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, तो जो भी ये कैसीनो गेम्स होगी, जो जितने भी गेम्स चल रही हैं, तो ये सारी की सारी यहाँ पे कवर। अच्छा अब सुनना प्लीज, अब दोनों के अंदर फर्क क्या, अब गवर्नमेंट कह रही है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस क्या निकलेगा। लॉटरी वाले केस में वैल्यू निकालने का तरीका अलग है, और बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस वाले केस में वैल्यू निकालने का तरीका अलग है। अब तरीका क्या, सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है बेटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेस में तुम्हारी वैल्यू क्या बनेगी, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजेटर। ये टोटलाइजेटर क्या होते हैं, जो नंबर चलाते हैं, आपने क्या देखा होगा नंबर चल रहे होते हैं कैसीनो के अंदर, अगर आप जब कभी जाओगे बैटिंग, एक्चुअल बैटिंग में तो बैट लगती है, जो गैम्बलिंग होती है ना, जो गैम्बलिंग होती है उसमें टोटलाइजेटर की बात होती है, ये जो हॉर्स रेस होती है कि हाँ भाई ये घोड़ा इतने नंबर पे चल रहा है, ये घोड़ा वो बार बार नंबर चेंज करते हैं, उसको टोटलाइजेटर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो अब सिंपल सी बात है, बैटिंग है, आप कभी बैटिंग करोगे तो जो भी आप बैट लगा रहे हो उसको कोई फेस वैल्यू तो होगी ना, हर एक प्लेयर की अपनी वैल्यू होती है, तो जो गवर्नमेंट ने कहा जितनी उसकी फेस वैल्यू है ना वो इसकी वैल्यू, या जो तुम टोटलाइजेटर को पे कर रहे हो बैट लगाने के लिए वो जो वैल्यू तुमने पे किया वही तुम्हारी वैल्यू निकल के आती है। मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली 100% ऑफ द फेस वैल्यू इज योर वैल्यू, ये तुम्हारी वैल्यू है, इस पे तुम जीएसटी लगा दे, और किस रेट से लगा देना 28% से। बट अब लॉटरी वाले केस में क्या, लॉटरी वाले केस में क्या थी, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट का मतलब आप सब जानते हो स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है, और लॉटरी बिल्कुल लीगल है, लॉटरी कहीं से भी इलीगल नहीं है, इवन अगर पंजाब स्टेट हो गया, महाराष्ट्र स्टेट हो गया, और आपकी गुजरात स्टेट हो गया, ये लॉटरी निकालती। अच्छा सुनो ध्यान से, लॉटरी पता कब निकलती है, ये निकलती है दिवाली के आसपास, क्योंकि दिवाली के आसपास लोगों को बोनस मिलता है, पैसा लोगों के पास आता है, तो एक्चुअल में क्या है उस टाइम लॉटरी निकालती है गवर्नमेंट ताकि लोग इस लॉटरी को ले ले। और लॉटरी के नाम भी ऐसे होते हैं, धमाका लॉटरी, दिवाली लॉटरी, दशहरा लॉटरी, इस तरह से नाम रखते हैं अट्रैक्टिव से ताकि लोग इसको लें। अब लॉटरी की फेस वैल्यू रखी जाती है कि ये लॉटरी की एक टिकट 500 रुपए की है, वो तो है फेस वैल्यू, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है उसका प्राइस नोटिफाइड भी करती है ऑफिशियल गैजेट। अब कई बार ऑफिशियल गैजेट में ज्यादा प्राइस नोटिफाइड करती है, कई बार कम नोटिफाइड करती है, वो रीजन डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जैसे मान लो मुझे एक लॉटरी निकालनी है, तो मेरे पास ना डिमांड बहुत आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, तो मेरे को लगा भाई कमाई का सौदा है, इस बार बहुत लोग परचेज करने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं इसका प्राइस हम थोड़ा सा ज्यादा नोटिफाइड करते हैं, फेस वैल्यू थोड़ी सी कम है। जैसे कई बार आपने देखा नहीं होगा यार शेयर्स वाले केस में 10 रुपए का शेयर प्रीमियम पे इशू कर दिया, ऐसा आपने पढ़ा ना अकाउंट्स के अंदर, वही सेम बात यहां पे कि है वो 10 रुपए का, कई बार चेक करो फेस वैल्यू 1 रुपए होती है उसकी और मार्केट में कितना प्राइस चल रहा था उसका, तो वही सेम पॉइंट है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो फेस वैल्यू एक होती है फेस वैल्यू, और दूसरा जो होगा प्राइस तुमने जो नोटिफाइड किया। अब सुनो ध्यान से वैल्यू क्या लेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी तुम्हारी लॉटरी की फेस वैल्यू है और जो भी प्राइस नोटिफाइड किया, इनमें से जो हायर वैल्यू निकल के आ रही है वो लो गया। अब वो जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू जो होगी वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, उसमें से जीएसटी अलग करना है, वैल्यू अलग करनी है। मतलब जैसे मान लो फेस वैल्यू है 500, प्राइस नोटिफाइड किया 550, बताओ क्या लूंगा,
तो 550 लिया ना, तो 550 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 ये तुम्हारी वैल्यू निकल जाएगी लॉटरी की। इस पे जीएसटी लग रहा है, मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि लॉटरी वाले केस में वैल्यू जो निकल के आ रही है वो इंक्लूसिव निकल के आ रही है, और बैटिंग गैम्बलिंग वाले केस में वैल्यू इंक्लूसिव निकल के नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट ने कहा फेस वैल्यू और प्राइस हायर, हायर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 ये तुम्हारी वैल्यू निकल के आ रही। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देखो नीचे क्या, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी निकाली, ध्यान से, फेस वैल्यू 250 है, नोटिफाइड के 240, बताओ क्या करेंगे, हायर क्या निकल के आ रहा है, तो 250 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 लॉटरी की वैल्यू इतनी है जी, एक्चुअल में लॉटरी की वैल्यू इतनी है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, छोड़ो ना, हल्दीराम के पास आप गए, आपने बोला भैया रार की चोरी खानी, उसने कहा रार की चोरी 100 रुपए की है, आपने 100 रुपए दिए, क्या 100 में जीएसटी अलग से दिया या उसमें इंक्लूड है? अगर कोई आपसे पूछे रार की चोरी कितने की है तो क्या आप 100 बोलोगे? रार की चोरी की वैल्यू 100 नहीं है, उसमें जीएसटी भी है, आप क्या बोलोगे? मान लो उस पर जीएसटी लगता है 5%, तो बोलोगे 100 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100 इतनी वैल्यू रार की चोरी की है, बाकी जीएसटी। तो वही सेम बात यहां पे, तो गवर्नमेंट ने कहा तेरी इंक्लूसिव वैल्यू जो है वो है 250, अब तू लॉटरी की वैल्यू बता, तो 250 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 195 रुपए लॉटरी की वैल्यू, बाकी सारा जीएसटी। अब अगला देखना, 250 260, हार क्या बनेगा 200, तो डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 203 रुपए की वैल्यू। ये क्वेश्चन आप करके देखोगे, ये लो क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ जी, मैं कराऊं? चलो इधर देखो ध्यान से, पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग जनवरी 2021 पंजाब गवर्नमेंट ने उससे दो लॉटरी निकाली है, पहली निकाली है महा लॉटरी जिसकी फेस वैल्यू 500 है, प्राइस नोटिफाइड 490 है, सेकंड निकाली है जैकपॉट, फेस वैल्यू 1000 है, प्राइस नोटिफाइड 940 है। तो पहली बात तो हायर इसमें निकल के आ रहा है 500, इसमें निकल के आ रहा है 1000, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आगे वो कह रहा है महा लॉटरी कैन बी सोल्ड ओनली इन द पंजाब, मतलब इसमें लगेगी इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST और SGST, और जैकपॉट जो है वो दूसरी स्टेट में, इसमें IGST की बातें होंगी। और फिर वो कह रहे हैं जनवरी 21 2000 लॉटरी बिकी है महा लॉटरी, 1800 टिकट बिकी है जैकपॉट की। अब आओ जी एक बात मेरे को बताओ,
सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आपकी इनमें से आयर क्या आ रही है 500, वहां लॉटरी कितनी है आपकी 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो कितना आ गया 7812, ये तो आ गई वैल्यू। अब अगर मेरे को जीएसटी निकालना हो तो दो तरीके हैं, या तो इसका 28% निकाल दूं तो वो जीएसटी आ जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है 2000 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 28, तो ये जीएसटी आ गया ना भाई, जब 100 से वैल्यू आ रही है तो 28 से तो जीएसटी तो आएगा। एक बात मेरे को बताओ, अगर नीचे वाला हिस्सा 128 है, 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीएसटी आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू आएगी। अगर आपको इसमें दिक्कत लग रही है तो ऐसा करो इस वैल्यू पे 28% लगा दो, बात तो भी एक ही होगी, ठीक है जी। मेरे को बताना कितना आ रहा है 28, टू वन एट सेवन फाइव। अच्छा अब ये वैल्यू आई है पूरे जीएसटी की, अब ये इंट्रा स्टेट है तो इसके दो टुकड़े कर दो, डिवाइड बाय टू कर दो, 109375, ये सीजीएसटी आ गया और यही सेम एसजीएसटी आ गया। तो एक बार चेक करो, देखो ये देखो ठीक है नी। अब अगले वाले का देखो, अगले वाले में कितनी टिकट है 1800 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100, तो ये वैल्यू बताओ कितनी आ गई 1405 8 डबल, ये वैल्यू आ गई, ये आ रही है 1410625, ये वैल्यू आ गई। अब जीएसटी निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसका 28% निकाल दो या फिर वैसे करके 28 कर दो, तो इसका 28% निकालना कितना आ रहा है, तो ये देखो जी तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, डन है जी। एक क्वेश्चन मैं और लिखवा रहा हूं, लिख लो इसको, स्पेस वहां पे कहीं है तो वहीं लिख लो, नहीं तो नोटबुक में लिख लो। इसके बाद आपकी जीडी सर की क्लास है, पता है ना जीडी सर की, आज शिवानी मैम की नहीं है, जीडी सर की है 11 बजे। जी आई जेल का पता नहीं बताया सर ने, नहीं लिखो जी, पंजाब गवर्नमेंट फेस वैल्यू,
थाउजेंड लोज वैल्यू एंड जीएसटी निकाल दो। हो गया जी,
बताओ, पहले मैं दिवाली दिवाकम बताओ वैल्यू है 2124187 और CGST 339 06 बस, और SGST भी सेम ही होगा, और दिवाली धमाक बम्पर 5562500 और IGST 1575। महा लॉटरी में दो वैल्यू आ रही होंगी आपकी, तो वैल्यू वन कितनी आ रही है 390625 और इसमें लगेगा CGST है, CGST 54687 और SGST भी सेम होगा, और यहाँ पे वैल्यू टू कितनी आ रही है 3125 और IGST 87510500। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। अब इसमें मेरे ख्याल से आपने किया क्या होगा, इसमें आपने वैल्यू ली होगी 620, इसमें आपने वैल्यू ली होगी आपकी 900, इसमें वैल्यू ली होगी 1000, ये लिया होगा अपने, ठीक है जी। और फिर आपने यहाँ पे आपका कितनी दिवाली धमाका की कितनी टिकट है 500, तो 500 मल्टीप्लाई 620 डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई 100 आपने इसमें ये किया होगा। अगले वाले में फिर आपकी 900 वैल्यू ली है आपने, तो 900 मल्टीप्लाई आपने 800 और 128 मल्टीप्लाई 100 ये आपकी वैल्यू आएगी। तीसरे वाले में फिर आपकी 500 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 और फिर 400 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। बताओ रही कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का पक्का रही। तो ये हमारे रूल नंबर 27 से लेके 31 तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर रिविजन कराऊंगा, देन इसको फिर फाइनली हम पैकअप करेंगे, ठीक है। इधर देखो ध्यान से एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, हमने किया क्या जी। अब अगर मैं बात करता हूं, एक तो रूल नंबर 27 हमने किया, 28 हमने किया, 29 हमने किया, 30 हमने किया, 31 हमने किया, 31 कैपिटल ए हमने की, ठीक है। अब 27 कहता है कि अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो 27 लगेगा, रिलेटेड पार्टी और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में 28 लगेगा, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल वाले केस में 29 लगेगा, और कोस्ट वाले केस में 30 लगेगा, और रेजिडुअरी केस में 31 लगेगा, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वाले केस में 31 लगेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर सारा पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो पहला या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मनी वैल्यू में नॉन मनी की मनी वैल्यू जोड़ दो, अगर वो भी नहीं है तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू ले लो, वो भी नहीं है तो 30 और 31 के पास ले। फिर 28 ने कहा या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या सिमिलर सप्लाई की वैल्यू ले लो या 30 और 31 के पास चले जाओ, या अगर ये नहीं लेना तो 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रेसिपिएंट, इनमें से जो लेस होगा फिर वो ले। फिर 29 ने बोला या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या 90% इनमें से लेस वाला वैल्यू ले लो, अगर वो नहीं आ रही तुम्हारी वैल्यू तो फिर 30 और 31 के पास जाओ। फिर 30 ने बोला कि अगर तुम्हारी वैल्यू यहाँ नहीं आ रही, तुम मेरे पास आ गए तो ऐसा करो कोस्ट बता दो, उसका 110% हम तुम्हारी वैल्यू ले लें, ठीक है। फिर 31 ने कहा अगर तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल पा रही तो फिर डिपार्टमेंट तुम्हारी वैल्यू निकालेगा अपनी मर्जी से, बट रीजनेबल मीन्स वो लेके चलेगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल। बट गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर तुम गुड्स के सप्लायर हो तो 27 28 29 30 और 31 ये फ्लो करना जरूरी है, इस तरह से फ्लो होना चाहिए। सर्विस वाले केस में 27 28 29 के बाद 30 भी आ सकता है, 31 भी आ सकता है, या 27 28 29 के बाद सीधा 31 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 30 को तुम इग्नोर भी कर सकते हो, बस ये बात ध्यान दो, ठीक
ठीक है। फिर 31A ने बोला बैटिंग गैमलिंग लॉटरी, उसने कहा देखो बैटिंग गैम्बलिंग वाले केस में, हॉर्स रेस वाले केस में फेस वैल्यू का 100% हम वैल्यू लेके चलेंगे, उसमें कोई भी प्राइस नोटिफाइड की बात नहीं। लॉटरी वाले केस में गवर्नमेंट ने कहा जो तुम्हारी फेस वैल्यू है या जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड है, इनमें से हायर जो आ रहा है उसको डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई 100 करके वैल्यू निकाल, ठीक है जी, ये तुम्हारी वैल्यू आएगी, उस पर 28% लगा देना, वो तुम्हारा जीएसटी। अब अगर वो सेम स्टेट में बेची है इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, वो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। अगर दूसरी स्टेट के अंदर बेची है तो यही जीएसटी तुम्हारा आईजीएसटी निकल के आ जाएगा। ये सारी बातें हमने की, कोई दिक्कत तो नहीं, बका बका। तो ये आपके 27 से लेकर 31 तक के रूल्स निकल के आ, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब हम 32 से 35 अभी नहीं डिस्कस करते, उसको आप डिस्कस करोगे कल की क्लास, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट करवा दूंगा फिर बीच में वो रुक जाएगी, फिर वो क्लास का फ्लो खराब हो जाएगा। अब मैं छोटा सा टॉपिक करा रहा हूं जो अभी स्टार्ट होगा, अभी खत्म होगा, जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला था वैसे एक सिंपल सा टॉपिक है, ऑडिट अंडर जीएसटी, ठीक है जी। तो एक बार आप आ जाओ ऑडिट अंडर जीएसटी पे, मेरे ख्याल से जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर है ना उसके पीछे ही है शायद, तो पेज नंबर था 352 था कल मेरे ख्याल से, है ना, 352 था ना पेज नंबर कल मैं बता रहा था आपको, मेरी बुक में था accounts and records था ना, ये रहा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स था, उसके बाद ऑडिट वाला कहाँ है, उसके बाद ही है, नहीं उसके बाद तो नहीं है, उससे पहले होगा कहीं पे, मिला है सेक्शन 65-66, दो ही सेक्शन है उसके अंदर, मिल गया कहां पे है, पीछे है, ऑडिट अंडर जीएसटी पेज नंबर 313, मतलब किस चैप्टर के बाद है कुछ पता है, अच्छा ये रहा ये रहा ये लो, तो एक ही पेज का चैप्टर है बस, बिल्कुल सिंपल सच, लो जी। तो इस चैप्टर को भी अभी हम स्टार्ट करके अभी खत्म करेंगे, ठीक है जी। और फिर कल आपने रूल नंबर 32 से लेकर 35 वाली क्लास देखनी है, तो कल आपका वैल्यूएशन भी खत्म हो गया, ठीक है। फिर हमारे दो टॉपिक और खत्म हो गए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और आज ऑडिट वाला खत्म हो जाएगा। फिर ट्यूजडे को हम मिलेंगे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे ईवे बिल का चैप्टर, ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 7। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक चैप्टर हमारा है ऑडिट अंडर जीएसटी। अब इसमें से कभी क्वेश्चन बनता है कभी नहीं बनता, बट जब भी बनेगा वो लिमिट वाला क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सिंपल, जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में था ना सेम वैसा ही। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, नाम से ही पता लग रहा है ऑडिट अंडर जीएसटी, इसका मतलब क्या है कि जीएसटी में ना ऑडिट कौन कौन से होते हैं और जीएसटी में कौन कौन ऑडिट करता है। अच्छा ऑडिट थोड़ा बहुत पता होगा, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन जांच पड़ता, जैसे आप सब जानते हो सीएस जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो स्टैट ऑडिट करेगा और वो टैक्स ऑडिट करेगा, ऐसे सीएमए जो है वो कॉस्ट ऑडिट करेगा। अब जीएसटी ऑडिट, सुना जीएसटी ऑडिट, एक्चुअल में जीएसटी ऑडिट ना पहले दो तरह के होते थे, एक तो होता था टर्नओवर बेस, एक था अदर। फिर अदर ऑडिट में दो कैटेगरी थी, जनरल और स्पेशल। मैं दोबारा बोलूंगा, जब स्टार्टिंग में जीएसटी बना तो गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी में ना ऑडिट दो तरह के होंगे, एक तो होगा टर्नओवर बेस, एक होगा अदर। अदर में फिर दो कैटेगरी होंगी, जनरल और स्पेशल।
अब टर्नओवर बेस्ड ऑडिट जो है ना वो जीएसटी में खत्म हो चुका है। टर्नओवर बेस्ड ऑडिट ये था कि जिसकी भी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होगी उसको सीए या सीएमए से जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा। सीएस को जीएसटी ऑडिट करने की पावर पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं, ठीक है जी। बट जो टर्नओवर वाला ऑडिट था वो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो खत्म कर दिया। मतलब टर्नओवर अगर मेरी 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, अब मुझे ऑडिट करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नालायक है, ऐसे चलते हो, ऐसे मेरे को लगा जान के चल रहा है। अच्छा फिर ठीक है, ये चलने का तरीका बहुत बढ़िया। अरे होनी भी तो चाहिए उसके लिए छाती चौड़ी। इधर देखो ध्यान से, वापस आओ जी, चलो इस सुनना ध्यान से। चलो तो हम कहाँ थे, छाती चौड़ी में नहीं थे। तो मैं कह रहा था कि आपके जीएसटी में ना 2 ऑडिट थे, एक तो टर्नओवर वाला था और एक नॉर्मल ऑडिट था। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो टर्नओवर ऑडिट जो है ना वो हम खत्म कर चुके हैं। मतलब आज अगर टर्नओवर आपकी 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, अब गवर्नमेंट कह रही कोई भी ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं। इट मींस अब ना तो सीए की बात होगी, ना सीएस की बात होगी, ना सीएमए की बात होगी। रीजन क्योंकि अब टर्नओवर वाला ऑडिट होना ही नहीं। इट मींस आज अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरी पूरे साल की टर्नओवर 3 करोड़ है तो गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि देखो सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है वो ऑडिट अब जीएसटी में खत्म हो चुका है, ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट। अब सुना ध्यान से, अब सिर्फ आपका ना अदर ऑडिट बचा हुआ है। अब अदर ऑडिट में 2 कैटेगरी हैं, एक तो है ऑडिट अंडर सेक्शन 65 और ऑडिट अंडर सेक्शन 66। अब ये दोनों ऑडिट हैं क्या, 65 सेक्शन में जो ऑडिट है ना उस ऑडिट का नाम है जर्नल ऑडिट, और 66 में जो है उसका नाम है स्पेशल। अब इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें ना तो सीए ऑडिट करेगा, ना सीएस करेगा, ना सीएमए करेगा, डिपार्टमेंट खुद ऑडिट करेगा। मतलब डिपार्टमेंट में बात कहना चाह रहा है कि हम खुद वेरीफाई करेंगे एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको ऑडिट बोलते हैं जर्नल। मतलब आज तक कभी इनकम टैक्स में ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी कस्टम में ऐसा नहीं हुआ, आज तक इवन किसी भी एक्ट में ऐसा नहीं हुआ कि डिपार्टमेंट ऑडिट करे। क्योंकि या तो ऑडिट की पावर मिलती है सीए को, या मिलती है सीएस को, या मिलती है सीएमए को, बट गवर्नमेंट ने कहा जर्नल ऑडिट जो होगा ना वो हम खुद करेंगे, हम किसी को करने के लिए नहीं देंगे। बट आ स्पेशल ऑडिट जो होगा उसमें हमें प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होंगे, तो वो ऑडिट जो करेगा या तो वो सीए करेगा या वो सीएमए करेगा। सीएस को अभी भी स्पेशल ऑडिट करने की पावर नहीं। बट अभी पिछले बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसका स्कोप एक्सटेंड करने वाले हैं, तो मैं भी बहुत जल्दी आपको यहाँ पे सीएस देखने को मिल जाए, ठीक है जी। तो मतलब अभी तक सिर्फ सीए और सीएम, इसीलिए यही रीजन है कि एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है कि स्पेशल ऑडिट कौन करता है, क्योंकि आप समझदार हो, सीएस के एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा कि ऑडिट कौन करेगा सीए और सीएम, वो उसको प्रमोट क्यों करेंगे, ठीक है जी। तो जो ऑडिट हमारे पास पावर ही नहीं है वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी क्यों बनेगा, ठीक है। तो कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेंगे स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, वो ये जरूर पूछ लेंगे स्पेशल ऑडिट कितने दिन में खत्म होना चाहिए, कैसे कंप्लीट करेंगे, ये सारी बातें पूछ लेंगे। बट ऑडिट करने वाला कौन होगा, चांसेस बहुत कम है कि वो आपसे पूछे, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, देखो यहां पे क्या लिखा है। सबसे पहला देखो आपके पास नोट्स भी यहां पर भी देख सकते हो, हु कंडक्ट ऑडिट,
मतलब पहला तो ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा, देखो जनरल कौन करेगा, मैंने क्या बोला ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी दैट इज डिपार्टमेंट ऑडिट विंग, मतलब जो डिपार्टमेंट की विंग होगी, जो डिपार्टमेंट की टीम होगी वो इस ऑडिट को करेगी, बस ये पता ध्यान। अच्छा फिर वो कौन करेगा, देखो क्या लिखा है, ऑडिट बाय प्रोफेशनल क्वालिफाइड सीईओ और सीएमए करेंगे नॉमिनेटेड बाय डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट बताएगा आपको किससे करना, क्योंकि सिंपल बात है अगर मैंने आपको ही बोल दिया कि आप करवा लो फिर तो आप कोई भी सीए पकड़ के ले आओगे। आज अगर मेरे फादर की कंपनी है, मान लो मेरे फादर की कंपनी का जीएसटी ऑडिट हो रहा है, तो अगर मेरे फादर बोले कि मेरे को ऑडिट सीए से करवाना है, मैं विवेक से करवा लूंगा, तो मैं तो बोलूंगा पापा मेरे सच्चे हैं, मैं कैसे बोल दूंगा पापा मेरे चोर है, मेरे को घर से निकलना है भाई। सिंपल से बता, अगर मैं बोल दूंगा पापा पापा यार मेरा तो तुम यार फ्रॉड ही हो यार तुम यार, वह बोलेंगे बेटे चल निकल यहाँ से, अब चलता मन यहाँ से, मैं फ्रॉड हूँ ना निकल दूँ यहाँ से, तो सिंपल सी बात है पापा तो मुझसे ऑडिट करवाएंगे, बट गवर्नमेंट ये बात कह रही है जिससे ऑडिट करवाना है ये हम नॉमिनेट करेंगे, तुम नॉमिनेट नहीं करो, ठीक है जी। होगा सीए सीएमए करें, होगा सीए सीएमए से, बट कौन करेगा वो हम तुम्हें बताएंगे, बस ये बात है। उसके बाद एक और पर्पस क्या होता है ऑडिट का, अब देखो नाम से पता लग रहा है जनरल ऑडिट, पर्पस क्या होगा जनरल, मतलब जनरल मतलब नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना, आपकी रिटर्न चेक करना, आपने आईटी से कितना लिया वो देखना, मतलब नॉर्मल नॉर्मल जनरल ऑडिट होगा, जनरल पर्पस होगा, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि हम इस पर्पस के लिए ऑडिट जा रहे हैं। जैसे एक बात मेरे को बता, एक घर में पुलिस घुस गई, बस वो छानबीन कर रही है कि हम देखना चाह रहे हैं, और दूसरा केस है किसी ने मर्डर कर दिया, तो अगर मर्डर कर दिया तो उसकी छानबीन मर्डर को दिमाग में लेके चलेगी ना भाई, क्योंकि वो स्पेशल केस होगा कि मर्डर का अकॉर्डिंग, अब गवर्नमेंट का नॉर्मल छानबीन चल रही है जी, हम देखना चाहते हैं अभी इंसान ने चोरी की है जी, हम नॉर्मल छानबीन देखना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है वो जनरल पर्पस है तुम ऑडिट कर सकते हो, कोई पर्पस भी हो सकता है, बट स्पेशल में क्या होगा, गवर्नमेंट ये बात करती है पर्पस जो होगा वो स्पेशल होगा, और स्पेशल पर्पस किसका, स्पेशल ऑडिट तब होता है या तो आपने वैल्यू में कोई दिक्कत की हो या आईटीसी में कोई दिक्कत की, मतलब गवर्नमेंट करेगी अगर हमें लगेगा कि जो तुमने वैल्यू निकाली है वो सही नहीं निकाली, जो तुमने आईटीसी क्लेम किया है वो सही क्लेम नहीं किया, गलत आईटीसी क्लेम किया है, तुमने ज्यादा क्लेम किया है, तुमने गलत यूज कर लिया, तुमने वैल्यू कम निकाल दी है, तुमने जीएसटी कम पे कर दिया, उस केस में गवर्नमेंट के लिए हम कराएंगे स्पेशल। तो देखो वहां पे क्या है जनरल पर्पस, वहां पे क्या है स्पेशल, और पर्पस कौन सा है, क्या लिखा है चेक करेक्टनेस ऑफ द वैल्यू और चेक आईटीसी अवेल्ड विद इन द लिमिट, कि क्या आईटीसी विद इन द लिमिट है या नहीं है, मतलब जो तुमने क्रेडिट बुक किया है क्या वो सही किया या नहीं किया। उसके बाद एक और नीड ऑफ ऑडिट, ऑडिट की नीड क्या है जी, अब देखो ऑडिट की नीड क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इस ऑडिट को करवाने की। जनरल ऑडिट जो है बीइंग जनरल पर्पस इट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी जुडिशियल रीजन, इट मे कवर ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ पार्ट देयर फॉर ए मल्टीपल देयर, मतलब कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ये बात कहना इसकी कोई ऐसी कोई नीड नहीं है, एक जनरल पर्पस है, हम एक वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वो पूरे साल की भी कर सकते हैं, कुछ महीनों की भी कर सकते हैं, कई सालों की भी कर सकते हैं, हमने कोई ऐसा लिखा नहीं है कि इतने पर्टिकुलर टाइम की हो, बट स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट कहना चाह रही है इट बीइंग स्पेशल पर्पस ऑडिट इट इज कंडक्टेड ओनली व्हेन सम स्क्रूटनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आर ओपन बिफोर प्रॉपर ऑफिसर एंड प्रॉपर ऑफिसर फील नीड ऑफ ऑडिट कंसीडरिंग नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ केस इट कैन बी ऑर्डर ऑफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड नोट विद स्टैंडिंग अकाउंट्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑलरेडी ऑडिट अंडर 65। क्या कमाल की बात बोली, कहना चाह रहे हैं कि स्पेशल ऑडिट जो है ना, पहली बात तो वो तब होगा अगर तुम्हारा केस ऑलरेडी चल रहा है, जैसे एक बात बताओ डिपार्टमेंट तुम्हारा ऑडिट कर रहा है, उसको ऑडिट करते करते लगा यार इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, कोई घपला लग रहा है, कुछ तो पंगा लग रहा है भाई, एक नाम बार बार आ रहा है, एक ही सप्लायर से सामान लिया हुआ है, फिर एक ही रिसीवर को सामान बेच रहा है, वैल्यू हमें ज्यादा लग रही है, तो मेरा कुछ डाउट हो रहा है कि इसमें घपला है कुछ, तो गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसा होगा तो फिर हम नॉमिनेट कर देंगे सीए सीएमए को कि भैया तुम आके ऑडिट, और ये ऑडिट तो भी हो सकता है चाहे तुम्हारा जनरल ऑडिट चल ही क्यों ना, मतलब स्पेशल नाम से क्लियर है, स्पेशल मतलब क्या है इन एडिशन टू नॉर्मल, तुम ये नहीं कह सकते, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा साहब मेरा ऑडिट आप कर तो रहे हो स्पेशल क्यों करा रहे हो, गवर्नमेंट ने कहा ना ना ना, ना, ना। भाई हम तो कर रहे हैं जनरल, हमें नॉलेज नहीं है इतनी, अब जो प्रोफेशनल्स हैं सीए हैं सीएमए हैं तो वो यहां पे आएंगे, वो चेक करेंगे, फिर वो हमें बताएंगे कि तुमने क्या किया, क्योंकि हमें आईटीसी निकालना नहीं आता, हमें आईटीसी में समझ नहीं आ रहा तुमने क्या किया, अब सही क्लेम किया गलत क्लेम किया कितनी लिमिट में क्लेम किया, भैया वो तो प्रोफेशनल ही बताएंगे ना, तो हम उसको बुलाना चाह रहे हैं ऑडिट करेंगे और तुम्हें करवाना पड़ेगा चाहे तुम्हारा जनरल ऑडिट क्यों ना हो, ये बात ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या स्पेशल ऑडिट तो भी हो सकता है अगर जनरल ऑडिट चल रहा हो, आंसर इज यस, स्पेशल कभी भी हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिए।
उसके बाद देखो जी फिर अगले अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ऑर्डर देगी इस ऑडिट करवाने का? जनरल ऑडिट जो है कमिश्नर या अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर, मतलब या तो कमिश्नर बोलेगा इसको ऑडिट करो या कोई ऑफिसर इसको वो नॉमिनेट करेगा वो बोलेगा ऑडिट करो, और वहां पे एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, मतलब कोई भी ऑफिसर डिपार्टमेंट का बोल देगा बट असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे का रैंक लगाना। आपको जैसे मैंने कल भी कहा था ना, आठ डिपार्टमेंट के रैंक होते हैं एसी डीसी, कल अगर मेरे को नहीं पता आपने अपील का चैप्टर सुना या ना सुना तो उसके अंदर मैं बता रहा था एसी डीसी जेसी, तो एसी डीसी ने ऑर्डर पास किया, जेसी को लगा ये ऑर्डर गलत है तो फिर डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है, तो इस तरह से बातें होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जो मतलब जिसने ऑर्डर पास किया वो एसी से छोटा ऑफिसर ना, एसी या उससे ऊपर कोई भी ऑफिसर तुम्हें स्पेशल ऑडिट के लिए बोल सकता है, बात है। उसके बाद देखो फिर यहां पे प्रायर अप्रूवल नोट, इसमें प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, इसमें चाहिए ऑब्वियस सी बात है। अब जनरल ऑडिट डिपार्टमेंट ने खुद करना है तो क्या उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए? नहीं, वो तो खुद ही करना है। बट क्या स्पेशल ऑडिट के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए? नहीं चाहिए। यस, कमिश्नर से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी तभी स्पेशल ऑडिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद एक और मैनर ऑफ ऑडिट, अब नोटिस ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट का नोटिस, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, प्रॉपर ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट शैल गिव नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन एटलीस्ट 15 डेज वर्किंग डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑडिट। इसका मतलब क्या है कि जब आपका ऑडिट होना होगा ना उसके 15 दिन पहले डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा तुम्हारा ऑडिट होने वाला है, क्यों? क्योंकि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट इकट्ठी कर लो। भाई ऐसा ना कि हम यहाँ पे ऑडिट करने के लिए आए, तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट मिली वहां पड़ी है, वहां पड़ी है, वहां पड़ी है, तो हम पहले ही बता रहे हैं सारी बुक्स ऑफ अकाउंट इकट्ठी कर लो, विद इन 15 डेज तुम्हारा ऑडिट होने वाला। बट स्पेशल ऑडिट में कोई भी नोटिस तुम्हें नहीं आएगा। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑडिट डायरेक्शन विल बी इश्यू टू रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीएससीएमए। इसमें 15 दिन की लिमिट नहीं है, इसमें तुम्हें एक दिन पहले भी बता सकते हैं, सेम डे भी बता सकते हैं, 10 दिन पहले बता सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 15 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर मैंने 15 दिन पहले ही बता दिया तो क्या असेसी अपनी वैल्यू सही नहीं कर लेगा, क्या अपना आईटी सही नहीं कर लेगा, उसको पता लग जाएगा मेरा काम होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो स्पेशल ऑडिट में कोई डेज की लिमिट नहीं, हम एक डायरेक्शन इशू कर देंगे, अब तुम्हारा स्पेशल ऑडिट फोन है कितने दिन पहले वो नहीं बता, हम सेम डे भी इशू कर सकते हैं, हम एक दिन पहले भी करेंगे जब हमें लगेगा इशू कर देंगे, कोई 15 दिन प्रायर की यहां पे कोई लिमिट नहीं है। आसमान में आ रही है। उसके बाद एक और, अब ये फॉर्म नंबर है ADT01, ये ADT023, ये फॉर्म नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्ट ऑफ ऑडिट टाइम लिमिट, अब देखो टाइम लिमिट ऑफ ऑडिट ऑफ कंप्लीशन 3 महीने की है, मतलब 3 महीने के अंदर जनरल ऑडिट तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम लग रहा है भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स काफी सारे हैं तो 6 महीने की एक्सटेंशन हो सकती है, 3 महीने प्लस में 6 महीने, मैक्सिमम 9 महीने के अंदर अंदर जनरल ऑडिट कंप्लीट होना ही चाहिए, बस ये बात है। और अगर स्पेशल ऑडिट चल रहा है तो 90 डेज प्लस में 90 डेज, मतलब सीएससीएमए को कितने दिन मिलेंगे ऑडिट कंप्लीट करने के लिए? 90 दिन। अगर सीएससीएमए को लगता है कि 90 दिन कम है, हमें और डिटेल में जाना है, डेप्थ में जाना है, तो फिर 90 दिन का एक्सटेंशन और मिल सकता है, बस ये बात ध्यान दो। मैक्सिमम 180 दिन के अंदर अंदर उनको ऑडिट खत्म करना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं डेज वाले खासतौर, और आप सब जानते हो डेज वाले क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, क्यों? बच्चा भूल जाता है, इसके फ्री के नंबर होते हैं, अब इसमें कोई लॉजिक थोड़ा है, बच्चा बोले पेपर बाहर से आ गया, तो भाई पेपर इसमें बाहर से कहां से आ गया? आप ये कहो मेरे को डेज याद नहीं थे, इसको मुश्किल पेपर नहीं कहते सर। जब भी पेपर लिमिट बेस बने आप मुश्किल नहीं कह सकते उसको, मुश्किल तब होता है जब क्वेश्चन बड़े बड़े आ गए, सोल्व नहीं हो रहे आपसे, इसमें सोल्व क्या करोगे? अब जिसको डेज याद होंगे उसके फ्री के नंबर है, नहीं याद होंगे तो नंबर नहीं आएंगे, काम खत्म, इसमें मुश्किल थोड़ा बन गया। तो सिंपल सी बात ध्यान देना चाहिए, जनरल वाले केस में कितना महीने है? 3 महीने प्लस में, और स्पेशल वाले केस में 90 प्लस में 90। उसके बाद देखो फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड पर्सन ऑडिटेड ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग, इसका मतलब क्या? मतलब कितने दिन के अंदर अंदर ऑडिट करने वाला, जैसे मान लो मैं ऑडिट कर रहा हूं तो आपकी कंपनी का ऑडिट चल रहा है, आप सब कंपनी के पार्टनर, मैं आपको ऑडिट कर, तो आपके दिल में एक धड़कन बढ़ गई होगी आपकी कि यार क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मिल ना जाए, गलत ना मिल जाए, कहीं हम पकड़े ना, हमारी गुडविल खराब ना हो जाए। तो कितने दिन के अंदर अंदर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या मिला? क्योंकि जैसे मान लो मैंने ऑडिट कंप्लीट कर लिया तो आपने कहा सर हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, मैंने कहा हाँ, आपने कहा उसमें क्या मिला, अब मैं बता ही नहीं रहा, उसके बिना काम चलेगा, या मुझे बताना पड़ेगा। तो उसने गवर्नमेंट क्या लिखा, ऑडिट फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब क्या मिला, ऑडिट फाइंडिंग शैल बी कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट।
मतलब जब तुमने ऑडिट कंप्लीट कर लिया उसके 30 दिन के अंदर तुम्हें बताना पड़ेगा फाइंडिंग्स की तुम्हें क्या मिला। और फॉर्म नंबर है जीएसटी ADT 02, अगेन फॉर्म नंबर इतनी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले वाले कैसे देखो जी, ऑडिट फाइंडिंग शैल बी कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड शोकॉज नोटिस शैल बी ग्रांटेड बिफोर यूजिंग एनी ऑडिट फाइंडिंग अगेंस्ट हिम। इसका मतलब क्या, इसमें कोई 30 दिन की लिमिट नहीं है। इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी फाइंडिंग मिलेंगी आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी रजिस्टर्ड पर्सन को, और अगर उसके अगेंस्ट मिला तुम कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो उसके अगेंस्ट, क्योंकि कुछ ऐसा मिल गया जो बहुत खतरनाक है, वैल्यू में बहुत बड़ा घपला कर रखा है इसने, तो गवर्नमेंट कह रही पहले तुम शोकॉज नोटिस दो। शोकॉज नोटिस समझ गए ना, अपॉर्चुनिटी टू बी बीइंग हर्ट, आपको सुनने का मौका देंगे कि भाई ऐसा क्या होगा, उसके बाद ही तुम कुछ करोगे, बस ये पद्धति। यहां पे कोई 30 दिन की लिमिट नहीं है, कभी भी तुम उसको बता सकते हो, ऐसा नहीं है 30 दिन के अंदर ही तुम्हें बताना चाहिए। हाँ सेम डे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक्ट की तरफ से कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ यहां पे 30 दिन है, वहां पे कोई 30 दिन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो, अब देखो सम सिमिलैरिटी, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, वो तो डिफरेंसेस थे ना, ये सिमिलैरिटी के। सबसे पहला ऑडिट के खर्चे बोर्न बाय डिपार्टमेंट, कोई भी ऑडिट में खर्चा होगा वो कौन बोर्न करेगा, डिपार्टमेंट है, क्योंकि वही तो करा रहा है, मैं थोड़ा करा रहा हूं, तो डिपार्टमेंट बरकर। नॉन पेमेंट पीओ शैल इनिशिएट एक्शन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने जीएसटी की पेमेंट नहीं की होगी तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्शन इनिशिएट कर देगा, और अगर कम पेमेंट की होगी तो वही 73-74 याद है मैं आपको, मैंने बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट खोपचे मिले जाएंगे, जेल हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, वही प्रोसीडिंग आपके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। एक बार आप कंक्लूड करते हैं क्या समझा। अब देखो जी एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं ऑडिट की बात करता हूं, ऑडिट की एक जमाने में दो कैटेगरी होती थी, टर्नओवर बेस्ड ऑडिट और अदर ऑडिट। टर्नओवर वाला खत्म हो गया, मैं इसलिए कह रहा हूं आज भी कई बच्चे टर्नओवर ऑडिट दिमाग में लेके बैठे हैं जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा होगा, और जो बच्चे यूट्यूब पे रिविजन क्लास देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा कई बच्चे पुराना लॉ पढ़ के बैठे हैं। जब भी क्वेश्चन पूछता हूं पुराने जमाने के लोग बच्चे बैठे हैं बीच में, क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी या नहीं देखी, उनको दिक्कत आती है। तो सिंपल सी बात ये निकल के रहे, टर्नओवर ऑडिट एक जमाने में होता था, अब वो खत्म हो चुका है, और वो बात है आज से 3 साल पहले की। उस टाइम ये लिखा हुआ था कि 2 करोड़ तक टर्नओवर अगर होगी तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब टर्नओवर वाला गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा वो ऑडिट तो है। मैंने कहा अब कौन सा है, गवर्नमेंट ने कहा अदर ऑडिट। मैंने कहा अदर मतलब कह रहे 2 तरह के होंगे, जनरल और स्पेशल। मैं कहा जनरल कहां है, कह रहे 65 में। मैं कहा स्पेशल कहां है, कह रहे 66 में। मैं कहा जनरल ऑडिट कौन करेगा, तो सारे बच्चे बताओ कौन करेगा, मतलब प्रोफेशनल्स करेंगे या डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट करेगा। और स्पेशल कौन करेगा, या तो सीए या उसमें सीएस को पावर अभी नहीं है जी। और जो सीए सीएम में होंगे क्या कंपनी या पर्सन वो खुद नॉमिनेट करेगा या डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेंगे, ये बात क्लियर है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बोला पर्पस, तो वहां पर्पस आपका जनरल है या पर्पस आपका स्पेशल है। स्पेशल पर्पस में 2 पर्पस है, या तो वैल्यू में कोई दिक्कत है या आईटीसी में कोई दिक्कत है, बस ये बात ध्यान दो, बात समझ आ रही है। फिर गवर्नमेंट ने बोला अगला नीड ऑफ ऑडिट की, ऑडिट की नीड क्या है, तो गवर्नमेंट ने कहा नीड कुछ नहीं है, नीड जनरल नीड है कि हमें चेक करनी है, इंक्वायरी करनी है तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये ऐसा नहीं है कि 1 साल का होगा, 1 साल का भी हो सकता है, कुछ पार्ट का भी हो सकता है, मल्टीपल ईयर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें तुम्हारी कितने साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है। स्पेशल पर्पस में क्या है, स्पेशल ऑडिट तभी होगा जब तुम्हारी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब कोई इंक्वायरी चल रही है और उसमें डिपार्टमेंट को कुछ लग रहा है, कुछ डाउट हो रहा है कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया, तो उस केस में फिर वो डायरेक्शन दे देगा स्पेशल ऑडिट की। और स्पेशल ऑडिट जो होगा वो कितने टाइम का होगा, एक पर्टिकुलर टाइम का हो सकता है, जितने टाइम का भी उसको लगेगा उतने टाइम का ऑडिट करवा लेगा। बट एक बात ध्यान देना, स्पेशल ऑडिट में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि तो भी हम कर देंगे अगर तुम्हारा नॉर्मल ऑडिट चल भी रहा है, मतलब अगर 65 में तुम्हारा ऑडिट हो रहा है तो भी स्पेशल हो सकता है, बस ये बात ध्यान दो, या हो चुका है तो भी तुम स्पेशल करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद जी अगला पॉइंट फिर यहां पे निकल के आ रहा है अथॉरिटी ऑर्डर, कौन सी अथॉरिटी ऑर्डर देगी। जनरल ऑडिट में तो कोई अथॉरिटी ऑर्डर का मतलब ही नहीं है, स्पेशल में कौन देगी, कमिश्नर, सॉरी अथॉरिटी ऑर्डर यहां पे कौन देगी, कमिश्नर या अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर, और वहां पे कौन होगा जी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, बस ये बात ध्यान। उसके बाद प्रायर अप्रूवल, क्या जनरल ऑडिट में प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद कर रहा है, बट क्या यहां पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यस रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैनर ऑफ ऑडिट जी, अब नोटिस एक बात मेरे को बताओ, क्या जनरल ऑडिट में ऑडिट करने से पहले क्या कोई नोटिस आएगा, कितने दिन पहले आएगा, 15 दिन पहले आपके पास नोटिस आएगा। बट क्या स्पेशल ऑडिट में कोई ऐसा नोटिस आएगा, कोई 15 दिन की लिमिट होगी, आंसर इज नो, उसमें डायरेक्शन कभी भी इशू हो सकती है, बस ये बात ध्यान। उसके बाद नॉर्मल ऑडिट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट क्या होती है, 3 महीने, अगर टाइम लग रहा है तो क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है, कितने महीने, और स्पेशल ऑडिट में 90 डेज एक्सटेंशन। उसके बाद
फिर नॉर्मल ऑडिट में जो मुझे कुछ मिला जनरल में, क्या मुझे बताना पड़ेगा उस पर्सन को? यस, कितने दिन के अंदर? बट वहां पे ऐसे कोई लिमिट, बट अगर मुझे कुछ भी करना है तो क्या शोगस नोटिस देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। yes. और ये जो ऑडिट होंगे उसके खर्चे कौन बियर करेगा? डिपार्ट। और अगर कुछ भी होगा तो फिर 73 74 में एक्शन आपके अगेंस्ट में लिए जाएंगे, बस ये पता। तो ये आपके दो तरह के ऑडिट है, जनरल और स्पेशल, ये बात है। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का जी। तो ये हमारा टॉपिक था जी, ऑडिट अंडर जीएसटी। डन जी, चलो किस बात, बुक है, बुक बुक है, दिखाना। अब हमने कौन सा किया, ऑडिट वाला ना? चलो तो एक छोटा सा टॉपिक और करा देता हूं, बस छोटा सा, बिल्कुल ठीक है। टॉपिक वैसे तो वो डिलीट हो चुका है, नहीं नहीं मतलब डिलीट पूरा नहीं हुआ है, आप एक बार आना। जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट, 15 मिनट के बस है, वो चैप्टर खत्म हो गया ना उसमें, तो वो चैप्टर अब डिलीट हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट देखना कहां पे है, ये रहा, ये देखो, ये सारी लाइनें कट चुकी है पहले, ये टॉपिक था, अब सिर्फ जो लाइनें नहीं कटी हैं बस वही हमें करनी है, बाकी ये चैप्टर खत्म हो चुका है। 10 से 15 मिनट ध्यान सुनना बस, ठीक है, फिर ओवर कर देंगे। अब सुनना ध्यान से क्या है जी, चैप्टर हमारा है जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है आपको, मैंने कहा था जीएसटी को आने में 35 एक्ट लगे थे, एक तो मैंने कहा था सीजीएसटी, फिर 31 हमारे एसजीएसटी होते हैं, फिर हमारा एक यूटी जीएसटी होता है, फिर एक हमारा आईजीएसटी होता है, फिर एक हमारा होता है जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। और मेरे को याद आ रहा है कि ये जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये भी कहा था कि जब स्टार्टिंग में जीएसटी लेके आना था तो दो प्रॉब्लम थी, एक तो अल्कोहलिक लीकर और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को था कि अगर हमें नुकसान होगा तो नुकसान हमें कौन कंपनसेट करेगा। तो मुझे अभी तक याद है आपको मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ने फिर क्या किया था, एक सेस लगाया था, कॉम्पनसेशन सेस, जितने भी देश के नशेड़ी हैं सबको पकड़ लिया था, तो गवर्नमेंट ने कहा था हम क्या करेंगे, एक सेस एप्लीकेबल कर देंगे और उस सेस से जो पैसा आएगा उससे हम कंपनसेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। ये सारी कुछ बातें आपको, मेरे को याद है, मैंने आपको पहले बताई थी। और मैंने ये भी कहा था कि जो ये सेस बना था ये 5 साल के लिए बना था, 5 साल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, मिला नहीं क्या चैप्टर, पेज नंबर है आप देखो, ये जो ऑडिट वाला चैप्टर था ना, ऑडिट वाला, इससे अगला ही है, ऑडिट वाले चैप्टर से अगला चैप्टर ये है, नोट्स में अगर आप देखना चाह रहे हो
एक पेज छोड़ के, और जो मैंने पॉइंट कट किया मैं कट कर देना अगर आपने कट नहीं है तो है? पॉइंट गायब है ना, हाँ तो बस ठीक है, मतलब तीन पॉइंट लिखे हो बस, तो मतलब फिर आपको लिखने पड़ेंगे और, अरे ये लिखे होंगे ना सिर्फ, हाँ तो ये जो ऊपर नहीं कटे हुए ये भी लिखने हैं। चलो इधर देखो, पहले एक बार समझ लो, पहले एक बार समझ लो, इधर देखो यार, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ रही, अब ये जीएसटी कॉम्पनसेशन, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है तो ये एक्ट गवर्नमेंट ने क्यों बनाया था? एक्ट गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, जितने भी नशेड़ी हैं, जितने भी सीन आइटम्स के यूज करते हैं उन पे हम एक सेस लगा देंगे और वहां से पैसा लाकर हम क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। और ये स्टार्टिंग में एक्ट बना था 5 साल के लिए। बताएगा जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। 5 साल कब खत्म हुए? 30 जून 2022 को। अभी हमारा क्या चल रहा है, आज हमारी डेट क्या है? 9 अप्रैल 2023। क्या जीएसटी को आए 5 साल हो चुके हैं? अभी होने हैं तो एक्ट खत्म हो चुका। बट एक्ट जिस पर्पस के लिए बनाया था वो खत्म हो चुका है, बट इसको एक्सटेंड किया अगले 4 साल के लिए, बट पर्पस चेंज कर दिया। मतलब स्टार्टिंग में क्या एम रख के बनाया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी आने से हमें नुकसान होगा तो आप हमें कॉम्पनसेट करोगे, तो पार्लियामेंट ने कहा ठीक है हम एक्ट बना रहे हैं कॉम्पनसेशन एक्ट, हम क्या करेंगे नशेड़ियों पर सेस लगा देंगे, जो सेस का पैसा आएगा हम उससे कॉम्पनसेट तुम्हें कर लेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, 5 साल तक गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेट किया और स्टेट ने भी कहा था स्टार्टिंग से एग्रीमेंट में साइन भी किए थे कि 5 साल तक हमारा साथ दे देना, फिर हम अपना स्टेट खुद देख लेंगे, हमें तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं। अब 5 साल खत्म हुए, जब 5 साल खत्म हुए काउंसिल की मीटिंग हुई, तो काउंसिल की मीटिंग हुई तो फाइनली काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 5 साल अब हो चुके हैं, तो 5 साल के बाद हमें एक्ट खत्म करने की बात बोली थी क्योंकि हमने तुम्हें कॉम्पनसेट कर दिया, तो स्टेट ने कहा बिल्कुल कर दिया, तो स्टेट ने कहा अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा रिवेन्यू नॉर्मल आ रहा है, आप लोग खत्म करना चाहो खत्म कर सकते हो। पार्ले अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो जी हमने 5 साल तुम्हें कॉम्पनसेट किया, अब हमारे कोविड में ना बहुत सारे खर्चे हुए, हमने गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया, वैक्सीन फ्री में लगवाई, हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवाया, तो इतने सारे देश को हमने संभाला, देश पैनिक नहीं हुआ कैसे, इसके लिए हमने बहुत सारे लोन लिए, अब वो लोन हमें चुकाने भी तो हैं, तो हम ये चाहते हैं इस एक्ट को हम आगे कंटिन्यू करें, बट उसका पर्पस अब तुम्हें कॉम्पनसेट करना ना हो, जो हमने लोन लिए उसको रीपे करना। तो स्टेट ने थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया, स्टेट ने कहा ये कोई मतलब थोड़ा होता है, आप ये लेकर तो हमारे लिए आए थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक बात बताओ, लेकर तुम्हारे लिए आए थे बट हमने क्या तुम्हारी सहायता नहीं की, तुमने जितने साल बोला हमने उतने साल तुम्हें कॉम्पनसेट किया, इवन कोविड में भी किया, भाई कोविड में हमारे हालात भी खराब थे बट हमने कहा नहीं जो पैसा इसका आ रहा है तुम्हारे ऊपर लगाना है, हमने तुम्हारे ऊपर लगाया। बट आप एक बात कहो, अब कोविड में हमने तुम्हें पैसा दिया, कोविड में देश की जनता को पैसा दिया, इतने मतलब इतने हमारी प्रॉपर्टी रेंट आना बंद हो गए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हुए, वैक्सीन करोड़ों लोगों को फ्री में लगी और गरीबों को राशन मिला, तो ये सारा पैसा कहां से आएगा? अब अगर अगर तुम कहते हो कि हम ये खत्म कर दें तो लोन चढ़े रहेंगे, लोन चढ़े रहेंगे, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, बर्डन जो है इनकी जेब पर आएगा, भाई फिर तो और पब्लिक पैनिक हो जाएगी ना, फिर देश का हाल क्या होगा, क्योंकि अभी तो लोगों को नहीं पता ना हमने पैसा कैसे लिया। भाई लोगों को तो लग रहा है कि गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, फ्री में राशन भी दे दिया, फ्री में इलाज भी हो गया, वैक्सीन फ्री में लग गई, बट आप ये देखो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए लगे होंगे, और फिर जिसने वैक्सीन बनाई कंपनी ने उसने थोड़ा फ्री में दी होगी गवर्नमेंट, सर उसको गवर्नमेंट ने पैसे भी तो दिए होंगे उसको, अब कितने लाख रुपए उसको दिए होंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट आए होंगे, उस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च की होगी, क्या केमिकल्स आए होंगे, कितनी रिसर्च फेल हुई होगी, कितना खर्चा हुआ होगा, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने लोन तो लिया होगा ना, तो गवर्नमेंट ये बात ने गवर्नमेंट ने सामने रखी, गवर्नमेंट ने कहा देखो जी हमने बहुत लाखों करोड़ रुपए के लोन ले रखे हैं, अब वो लोन हमारे बस का तो है नहीं चुकाना, आप खुद भी समझदार हो कितना टैक्स आता है, या तो हम टैक्स के रेट बढ़ा दें, अब टैक्स के रेट बढ़ाएंगे पब्लिक अगेंस्ट होगी, पब्लिक को दिक्कत आएगी, फिर पब्लिक हाहाकार होगी, वो अच्छा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसी एक्ट को हम एक्सटेंड करते हैं 5 साल नहीं 4 साल, 31 मार्च 2026 तक का हमें टाइम दे दो,
हम क्या करेंगे, इन सेस से जो पैसा आएगा अब वो सारा पैसा हम तुम्हें नहीं देंगे, उसका रूट हम चेंज कर रहे हैं, अब ये सारा पैसा रहेगा जो हमने लोन लिया उसकी रीपेमेंट। ठीक है, तो बस ये चेंज छोटा सा आया है। तो पुराना काफी लंबा छोटा चैप्टर था, अब जो 5 साल हो चुके हैं तो चैप्टर ही खत्म हो चुका है, अब जो जो बातें उसमें से रेलिवेंट है वो बातें बची है, बाकी सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, एक्सटेंडेड क्या हो गया, एक्सटेंडेड जो हो गया वो कहां तक हो गया, टिल 31 मार्च 2026 तक, बस ये बात। ठीक है, एक बार पहले समझ लो फिर इसको लिख लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपके नोट्स में नहीं। सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, इट इज ए काइंड ऑफ टैक्स विल बी कलेक्टेड ओवर एंड अबव डिक्लेयर बाय द जीएसटी काउंसिल, दैट इज सीजीएसटी। एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि या तो जीएसटी लगेगा या सेस लगेगा या जीएसटी के साथ ही सेस लगेगा, बस जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा ना, जीएसटी तो नॉर्मल है भाई, गवर्नमेंट ने कहा वो तो लगेगा लगेगा, उसके अलावा हमें सेस भी एप्लीकेबल करेंगे, वे बात ध्यान। तो ये पॉइंट एप्लीकेबल आज। फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इंपोज होगा अंडर सेक्शन 9, जो आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट है उसमें एक सेक्शन 8 उसके बेस पे क्या लग जाएगा, ये सेस एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद जी इट हैज टू बी चार्ज ऑन द लग्जरी एंड सीन आइटम, किस पे लगेगा, लग्जरी गाड़ियों पे। आज अगर आप फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है 40 लाख की अगर तुम्हारी औकात है तो 15% टैक्स भी तुम्हें देना पड़ेगा। भाई 40 लाख की गाड़ी को गरीब तो नहीं लेगा ना, बहुत अमीर इंसान होगा 40 लाख तो लगाएगा, तभी वो लगा रहा है, तो गवर्नमेंट का लाभ 15% ला, क्योंकि हम इस पैसे को तुम्हारी लोन की रीपेमेंट में चुकाएंगे। और सिन मतलब पान मसाला टबैको, जो तुम ये सिन आइटम खा रहे हो जिसके तुम एडिक्टेड, सिगरेट आपको जानकर हैरानी होगी, सिगरेट पर 290% सेस है, आपको मैंने पहले भी कहा था, मतलब जितनी नशीली आइटम्स हैं जिनके लोग एडिक्टेड हो जाते हैं उस पर 290% सेस, 204% 200% 150% तक सेस एप्लीकेबल। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कार हो गया, सिगरेट हो गया, टबैको हो गया, पान मसाला हो गया, इन पे लगेगा, ये लाइन आज भी एप्लीकेबल। उसके बाद फिर इट वुड बी चार्ज ऑन इंटर एंड इंट्रास्टेट सप्लाई, तो गवर्नमेंट का चाहे इंट्रास्टेट करो चाहे इंटरस्टेट करो, सारी सप्लाई पे ये सेस लगेगा जब भी तुम उन गुड्स की सप्लाई करोगे जो हमने नोटिफाइड की। उसके बाद जी ये लाइन अब खत्म हो गई है। अब यहां पे देखो ध्यान से, इस लाइन को चेंज कर दिया, क्या लिखा था, इट वुड बी चार्ज टू कॉम्पनसेट द स्टेट फॉर लॉस ऑफ रिवेन्यू इफ रिजल्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये क्यों लेकर आए थे कि जीएसटी के इंप्लीमेंट करने से जो स्टेट को लॉस होगा उसे कंपनसेट करने के लिए। क्या अब इसका पर्पस वो है या पर्पस चेंज हो गया, तो देखो पर्पस क्या बन गया, नाउ पर्पस इज टू रीपे द लोन ऑफ सेंट्रल। सिर्फ ये लाइन अब इसमें ऐड हो गई है कि अब जो लोन की रिपेमेंट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके लिए अब एक्ट बन चुका है। और अगला पॉइंट अभी खत्म है कि 5 साल तक आया था वो खत्म होगा, 5 साल तो खत्म ही हो चुके हैं। फिर आगे ऑडिट करे क्या, ये खत्म हो गया, बेस ईयर ये था, ग्रोथ सब ये पॉइंट खत्म हो चुके हैं, ये पुराने। उसके बाद कॉम्पनसेशन सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विस, और अगर वो नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विस होंगे उन सब पे लगेगा। उसके बाद सब पे लगेगा बट सेक्शन 10 वालों को छोड़ के, मतलब याद है सेक्शन 10 अभी हमारा हुआ नहीं है। ऐसे जीएसटी में एक कंसेशनल स्कीम होती है, जैसे याद है आपका पीजीपी का चैप्टर था उसमें आपने 44AD प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, ऐसे जीएसटी के अंदर भी छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए स्कीम होती है जो भी हम आगे जाके करेंगे, तो उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। तो मतलब गवर्नमेंट ने कहा था छोटे मोटे बिजनेसमैन है उनके ऊपर हम ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे, बाकी सब पे लगेंगे। उसके बाद फिर आईटीसी शुड बी अलाउड टू असेसी बट परमिटेड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सेस। इसका मतलब क्या है, याद करो जीएसटी का आईटीसी मिलता नहीं मिलता, क्या उस आईटीसी को आप यूज कर पाते हो नहीं कर पाते, सारे बच्चे बोल देना आईजीएसटी कहां का यूज कर सकते हो, आईजीएसटी फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी एट एनी मैनर। अगर आपको याद आ रहा हो सीजीएसटी पहले काम करते हो सीजीएसटी फिर आईजीएसटी, एसजीएसटी पहले फिर, बट गवर्नमेंट का कॉम्पनसेशन सेस इसका तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा बट यूज होगा ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सेस। मतलब जब तुम आगे सेस देने जाओगे तो सेस का क्रेडिट यूज कर सकते हो, जब तुम आगे जीएसटी देने जाओगे तो सेस का क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, वो ये बात कह रहे हैं। तो सेस का आईटीसी यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सेस, बस ये बात ध्यान। और रेट आपको मैंने दिया, पान मसाला पे 204% है, सिगरेट पे 290% है और गाड़ियों पे 3% से लेके 15% तक का सेस, ये है बस। ठीक है, तो बस एक इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो क्वेश्चन। पहला कि कॉम्पनसेशन एक्ट कहां तक एक्सटेंड हो गया, तो 31 मार्च 26 ये डेट याद रखनी है। दूसरा किस पर्पस के लिए एक्सटेंड हो गया, फॉर द रीपेमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, बस इन दोनों में से कोई क्वेश्चन बन जाएगा जो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस बार के एग्जाम में बनने की। रीजन क्योंकि आधे बच्चे उनको लग रहा है चैप्टर ही खत्म हो गया, और जिनको लग रहा है
ये चैप्टर बढ़ गया, उनको ये नहीं पता बेदर किस पर्पस के लिए बढ़ गया। तो सर पर्पस सेम नहीं है, पर्पस चेंज हो चुका है, नो डाउट एक्ट बढ़ चुका है बट पर्पस चेंज हो चुका है। पहले पर्पस था कॉम्पनसेट करना, अब पर्पस कॉम्पनसेट करना नहीं है, जो लोन दिए थे उसको रिपे करना इसका पर्पस है। जी क्या चीज रेट्स, हाँ रेट्स भी आ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल रेट्स भी। तो अब इस पॉइंट को लिख लो जी, ये जो आपके जो नहीं कटे हुए ना, ये आपने उसमें लिखे नहीं हुए नोट्स में, तो मेरे ख्याल से स्पेस है वहां थोड़ा सा, तो उसमें ही लिख लो। चैप्टर का नाम डाल दो, पहला पॉइंट लिखना है, दूसरा लिखना है, तीसरा लिखना है, पांचवा लिखना है, और ऊपर कॉर्नर पे लिख लेना एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 26। सही से लिखना 26, कहीं 24-25 लिख दो कुछ। ये छठे पॉइंट में भी लिख लेना, छठे पॉइंट में जो मैंने लिखा है बस ये वो पॉइंट लिखना है आपको नाउ पर्पस से। ये बुक बुक मत लिखो, नोट्स नहीं प्रिंट कराए आपने आज, क्या हो गया, करा लो। और रिवीजन क्लास देख रहे हो, टेस्ट यार पता है, टेस्ट दे देना यहां से, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजिडेंशियल स्टेटस मैट एएमटी और क्लबिंग ऑफ इनकम का मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, और एक और था हैं, हाँ अपील, अपील आज 3 बड़े टेस्ट होगा, सबने देना है। क्या चीज कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना जी। 6 पॉइंट में लिखा है नाउ पर्पस इज टू रीपे द लोन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर बस ऊपर तो इसके बाद तो नहीं है, फिर तो जो नेक्स्ट पेज पे वो तो लिखा ही हुआ है, तो ये पॉइंट तो वैसे आपके उसमें ही है ना, मेरे ख्याल से ये पॉइंट नहीं थे बस। डन है जी, चलो तो अब आपको एक क्लास फिर वो आपके पास आएगी वैल्यूएशन की, रूल नंबर 32 से लेके 35, ठीक है, तो वो आपने एक बार देखनी है। एग्जाम के इतने रेलिवेंट नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना नहीं है, बट हाँ ये उस पर इतना ध्यान नहीं देना जितना हमें जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए उस पर ध्यान देना, ठीक है जी।
तो रूल नंबर 32 से लेके 35 की क्लास आज अपलोड मैं करवा दूंगा, आज आज करवा दूंगा शायद, हाँ आज करवा दूंगा, ठीक है वो देख लेना। बाकी फिर ट्यूसडे को हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया ईवे बिल का, चैप्टर नंबर 7। ठीक है चलो री, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम ट्यूसडे को सेम टाइम सेम जगह, अभी आपकी जीडी सर की क्लास होगी 11 बजे। ठीक है बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, लाइव वाले बच्चों को भी बाय बाय, थैंक यू जी।